और आज हम देखने वाले हैं आपकी साइन के लिए सालाना रीडिंग। अब यहाँ पर ये रीडिंग थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसीलिए मैं आपको बता दूँ कि आप ये रीडिंग बिल्कुल शांति से देखिए। रीडिंग के दौरान आपको कुछ टिप्स और टेक्निक्स बताई जाएंगी, जैसे कि अगर मुझे लगता है कि कुछ नेगेटिव समय आने वाला है, तो मैं आपको उस नेगेटिव समय में आप अपने आप के साथ सबसे पॉजिटिव उसका बदलाव ला सके, वैसे मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ उपाय के, जो उपाय लिख देना ज़रूरी है। ओके, और एक बात कि ये जैसे मैंने बताया ये वीडियो लंबा हो सकता है, उसी के नाते यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अलग अलग क्षेत्र है, जैसे कि हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप, अलग अलग एरियाज़ है लाइफ के। तो आपकी इच्छा अनुसार अगर आप कोई एरिया पहले देखना चाहते हैं, जैसे लव लाइफ पहले देखना चाहते हैं या फिर पैसे कैसे रहने वाले हैं ये देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे सारे टाइम स्टैम्प्स मैं रख दूंगी, ताकि उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से जो पहले देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। और ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बिकॉज मुझे पता है कि ये वीडियो एक बार में आप पूरा का पूरा आप उतार नहीं पाएंगे, कई बार आपको वापस आना पड़ जाए ये वीडियो में सॉल्यूशंस देखने के लिए, तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। और इस वीडियो में से आपको एक बात बताऊं, लाइफ में यूजुअली पत्थर में लिखा हुआ सत्य जैसा कुछ नहीं होता। लाइफ में जो भी होता है, थोड़ा बहुत होता है कि जो थोड़ा बहुत हिस्सा, 5 से 10% हिस्सा होता है कि जो विधि के विधान में लिखा होता है और जिसे कोई नहीं बदल सकता, बाकी का 90% हिस्सा आपके हाथों में है। और इसीलिए आप जिस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं, जिस प्रकार के कर्म करते हैं, उस प्रकार की परिस्थिति आपके जीवन में घटित होती है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छी परिस्थितियाँ आती है, बुरे कर्म करते हैं देन दैट्स डैम ऑब्वियस कि बुरी परिस्थिति आती है। मुझे पता है आप कहेंगे अरे ये तो हमें पता ही है, तो उसके हिसाब से हम देखने वाले हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पर ऐसा रीडिंग में अगर बताया जाए कि भाई आपके भविष्य में बहुत अच्छे पैसे आने वाले हैं, और अगर आप पैसे कमाने का कोई प्रयास ना करें तो फिर वो नहीं होगा। ओके, काफ़ी लोग जो प्रेडिक्शंस होते हैं, भविष्य कथन होता है, उसे बहुत गलत तरह से लेते हैं, और उनको लगता है कि भाई अगर प्रेडिक्शन है, मतलब अगर कुछ होने वाला है लाइफ में, तो फिर चाहे हम करें या ना करें वो चीज़ होकर ही रहेगी। ऐसा नहीं है, ठीक है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस रीडिंग के साथ। सबसे पहले आपकी सेहत कैसे रहने वाली है, उसके लिए हम देखेंगे कि कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर सबसे पहले वेजिटेरियनिज्म का कार्ड आया है। वेजिटेरियन खाना आपके लिए, अगर आप चुनते हैं, अगर आप खाते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है इस साल। और आप कहेंगे अच्छा हमें क्या शाकाहारी बन जाना है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं बताया गया है। आप शाकाहारी खाना खा सकते हैं और उसी के साथ साथ मांसाहारी भी खा सकते हैं, बैलेंस में रखिए। अगर आप शाकाहारी हैं फिर भी जो वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने हैं। देखो अगर आप वेजिटेरियन भी हैं, जस्ट गेट टू द पॉइंट, ओके, वेजिटेरियन खाना मतलब सब्जियां ज़्यादा होनी चाहिए खाने में। मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा लोग पता है कि जो वेजिटेरियन है लेकिन सब्जियां नहीं खाते, वो बाकी सब कुछ खाते हैं, जैसे कि ब्रेड खाते हैं, हर एक चीज़ खाते हैं, आटा से बनी चीज़ें खाते हैं लेकिन सब्जियां कम खाते हैं। तो ये नहीं करना है, सब्जियां ज़्यादा खानी है इस साल के, जो आपकी सेहत को सुधारेगी। ओके, और जी हाँ, यहाँ पर एक कार्ड है कि जो आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी, यहाँ पर डेफिनेटली शादी वाला कार्ड है, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं। एक मीनिंग तो ये है कि आपके भीतर की जो पौरुष और स्त्री शक्ति है, वो शक्तियों को आपको बैलेंस में रखना है, नियंत्रण में रखना है, ताकि आपकी आपकी जो सेहत है वो नियंत्रण में रहे। ओके, दूसरी बात, लाइफ पार्टनर, अगर आपके जीवन में लाइफ पार्टनर है, आपके साथ आपके पार्टनर है, आपकी शादी नहीं हुई है फिर भी दैट इज़ फाइन, उनके साथ रिश्ता बैलेंस में रखना है। उनके साथ का जो रिश्ता है, जैसे बैलेंस में रखेंगे उतनी आपकी सेहत बैलेंस में रहेगी। सी, मुझे पता है कि यहाँ पर आपकी हेल्थ की बात हो रही है, लेकिन कई बार हमारे जीवन के जो क्षेत्र होते हैं, जैसे लव लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है, ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो अगर लाइफ पार्टनर के साथ आप अच्छा व्यवहार करते हैं, उनके साथ का रिश्ता बैलेंस रखते हैं, तो आपका जीवन बैलेंस में रह सकता है। ओके, आपकी हेल्थ बैलेंस में रह सकती है। इसे यहाँ पर जो भी बताया जाए
उसके अलावा आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके डॉक्टर ने जो आपको बोला है, आपके हेल्थ प्रैक्टिशनर ने जो बोला है आपको, आपको बिल्कुल और बिल्कुल फॉलो करना है। इसको फॉलो करने के साथ साथ कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब सेहत के लिए अगर यहाँ पर बताया गया है कि ऐसा, मान लीजिए कि डोंट टेक दीज कार्ड्स, मान लीजिए कि सेहत के लिए अगर बताया जाए कि हाँ, अगर आप आपके जीवन में बताया गया है कि इस साल आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, तो लोग अनशन खाते हैं, मतलब बुरी आदतें पर लग जाते हैं, अनशन खाते हैं, अपनी हेल्थ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं, दवाई नहीं लेते हैं। कहते हैं प्रेडिक्शन में तो आ गया है कि इस साल हेल्थ अच्छी रहने वाली है, मतलब वो चाहे जो भी कर ले, हेल्थ में कुछ बुरा नहीं होगा। देखो, प्रेडिक्शंस ऐसे काम नहीं करते, और इसीलिए मैंने आपको पहले से कहा है कि आप, ये पत्थर में लिखा हुआ सत्य नहीं है। तो आपको इसे उस तरह से नहीं लेना है। डॉक्टर ने, हेल्थ प्रैक्टिशनर ने, फिटनेस ट्रेनर ने जो कुछ भी बोला है, सब कुछ उनका सुनना है। उसी के साथ साथ इस रीडिंग में जो भी उपाय बताए गए हैं वो आपको करने हैं, ठीक है? यहाँ पर उपाय में मैंने क्या बताया है अब तक? पहले तो ज़्यादा वेजिटेबल्स खाने हैं, ज़्यादा सब्जियाँ खानी है। दूसरी बात, अपने पार्टनर के साथ का रिश्ता बैलेंस में रखना है। और अगर आपका पार्टनर नहीं है, आप सिंगल है, तो क्या करना है? आपके भीतर की पुरुष और स्त्री शक्ति को बैलेंस में रखना है। वो कैसे बैलेंस में रखेंगे? आपके लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड मतलब जिससे आप खाना खाते हैं, आपको इजीली पता चल जाएगा लेफ्ट और राइट क्या है। तो लेफ्ट हैंड में आप क्वार्ट्ज क्रिस्टल या तो सेलेस्टाइट क्रिस्टल, ऐसा कोई ठंडा वाला क्रिस्टल ले सकते हैं अपने लेफ्ट हैंड में, और राइट हैंड में आप ब्लैक टूरमलिन या फिर रेड जैस्पर, ऐसा कोई गर्म क्रिस्टल ले सकते हैं। अब ब्लैक टूरमलिन, अब गर्म मतलब ये नहीं कि आप उसे पकड़ेंगे तो आपके शरीर को गर्म होगा। जस्ट डोंट गेट मोर इनटू डिटेल्स। इसकी जो, ये सब जो है वो, या वो एक बहुत ज़्यादा गहरा साइंस है कि जो यहाँ पर हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। तो उसको हाथों में पकड़ना है और फिर आपको उसके ऊपर, फिर आप 10 मिनट्स मेडिटेशन कर सकते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। और ये आपको कब करना है? ये आपको हर हर अमावस और पूर्णिमा पर करना है, पूनम पर करना है और अमास पर करना है। क्या करना है? लेफ्ट हैंड में ठंडा क्रिस्टल, राइट हैंड में गर्म क्रिस्टल हाथ में पकड़ो, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मेडिटेशन करो 10 10 मिनट। कब करना है? अमावस के दिन और पूनम के दिन, ठीक है? तो ये रहा आपका एक उपाय हेल्थ को बैलेंस में रखने के लिए। देखो, आपके जो हेल्थ प्रैक्टिशनर है, उन्होंने जो बताया है उसी के साथ साथ अगर आप ये भी करते हैं तो आप अपनी हेल्थ में बहुत ज़्यादा बैलेंस पाएंगे। सी, आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पर काफ़ी बताया गया है कि हेल्थ में आपका जो माइंड है, आपका जो मन है, बहुत ज़्यादा विचलित हो सकता है। और आप अगर अगर आप बंधा बंधा सा महसूस करेंगे तो भी आपकी हेल्थ के ऊपर असर करेगा। अगर आप किसी के साथ लड़ने जाते हैं तो भी आपकी हेल्थ के ऊपर असर करेगा। किसी के साथ आप झगड़ा करके अपने आप को सच साबित करने जाते हैं तो भी आपकी हेल्थ पर असर करेगा। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, ये सारी चीज़ें नहीं करना है। ये कार्ड कहता है कि आपको हेल्थ में बहुत ही कड़ा डिसिप्लिन, बहुत ही कड़ा अनुशासन फॉलो करना है इस साल, तभी जाकर आपकी जो हेल्थ है, आपकी सेहत है, वो स्टेडी रहेगी। कड़ा अनुशासन, जैसे मैंने कहा, आपके जो हेल्थ प्रैक्टिशनर जो कहते हैं वो करना है। उसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो दो उपाय मैंने आपको बताए वो भी करने हैं। तो ये था आपके लिए हेल्थ के लिए रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ, लव लाइफ में क्या हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, हेल्थ के लिए हमने बात कर ली, हेल्थ आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। शायद आपकी हेल्थ अगर अच्छी रहती है तो दुनिया में आप किसी भी तरह का दुख, दुनिया के किसी भी तरह के प्रॉब्लम के साथ आप अच्छी तरह से डील कर पाएंगे। लेकिन अगर हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है तो बाकी बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो हाँ, इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। अब अगली बात है, आपके लिए अगला कौन सा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वो है आपकी लव लाइफ। लव लाइफ में यहाँ पर क्या है? अगर आप सिंगल है तो कार्ड्स बताते हैं कि शायद पहले भूतकाल में आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपने काफ़ी झेला है, लव लाइफ में काफ़ी झेला है, लव रिलेशनशिप में काफ़ी गलत झेला है, जिसकी वजह से शायद आप कभी प्रेम में पड़ने के लिए तैयार नहीं थे, पार्टनर ढूंढने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन
लेकिन ये कार्ड बताता है कि अब आप सुरक्षित हैं, अब आप इस साल आप सुरक्षित हैं ताकि आप अपने पार्टनर को चुन सके, ओके। और पार्टनर को चुनते हैं तो ज़्यादा गंभीर नहीं रहना है आपको, प्लेफुलनेस, यहाँ पर प्लेफुलनेस दिखाई गई है पार्टनर के साथ। आप जिसको भी पार्टनर चुनते हैं उनके साथ मतलब बहुत ही अच्छी तरह से हल्का फुल्का व्यवहार रखना है, ज़रा भी सीरियस नहीं रहना है, ओके। इसी रिलेशनशिप में आपके पार्टनर कब आपसे खुश रहते हैं, जब आप हंसते खिलखिलाते हैं और उनको आप हंसाते हैं, उनको आप खुश करते हैं। हर एक व्यक्ति अपने लाइफ में खुशी चाहता है, और अगर आप बिल्कुल सीरियस बने रहते हैं, गंभीर बने रहते हैं, तो शायद लोग आपको देख कर डर जाएंगे, तो वो नहीं करना है, ओके। पार्टनर को भी अगर आप संभाल कर रखना चाहते हैं तो यहाँ पर गंभीरता छोड़ना है, प्लेफुलनेस, मतलब बिल्कुल छोटा बच्चा कैसे मतलब खेल कूद करके लाइफ में जीता है, उसी तरह से आपको खेल कूद करके जीना है, ओके। मतलब छोटा बच्चे जैसा आपको रहना है, बच्चे जैसा नादान बिहेवियर नहीं, लेकिन बच्चे जैसा लाइवली बिहेवियर, जान में जान डाल दे ऐसा बिहेवियर आपको लेना है, ओके। यहाँ पर ये कार्ड बताता है अगर आप सिंगल है तो आप लंबे अरसे तक कोई रिश्ते को चला सके, ऐसा पार्टनर आप इस साल ढूंढ पाएंगे। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा, जिंदगी में प्लेफुलनेस ज़रूरी है। आप किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा गंभीर रहेंगे तो रिश्ते में आप ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, ओके। और ये कार्ड कहता है कि हाँ, मतलब प्लेफुलनेस लाना है, छोटे बच्चे जैसा बिल्कुल मन एकदम हल्के मन से आपको आपको उनके साथ व्यवहार करना है। देखो, हल्का भी जो शब्द है उसके भी दो मीनिंग्स होते हैं, ओके। हल्का मतलब बिल्कुल ऐसा हल्का नहीं कि आपका जो कैरेक्टर है बिल्कुल शैलो साबित हो जाए, शैलोनेस नहीं, प्लेफुलनेस, ओके। आशा करती हूँ कि यहाँ पर जो इंग्लिश के शब्द मैं यूज़ कर रही हूँ आप समझ पाए, बिकॉज़ शैलोनेस, प्लेफुलनेस, इसके शुद्ध हिंदी शब्द मेरे लिए डायरेक्टली आपको बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ओके। अब ये जो कार्ड है ये कहता है कि आपका अगर आपको अगर आप ऐसे बनते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छी तरह से मतलब रहते हैं, बहुत हंसते खिलखिलाते रहते हैं, तो ये रिलेशनशिप आपको महसूस होगा कि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। और अगर आप मतलब प्लेफुलनेस नहीं आजमाते हैं तो हो सकता है कि उस रिश्ते का अंत भी हो सकता है, ओके। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर कार्ड्स कहते हैं रिलेशनशिप में है फिर भी आपका हो सकता है पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। अगर प्रॉब्लम नहीं भी हुआ है तो कई बार ऐसा होता है कि जब रिश्ता बहुत समय तक टिका रहता है तो फीलिंग्स, ऐसा महसूस होता है कि फीलिंग्स ही नहीं है दोनों के मन में एक दूसरे के लिए। तो शायद आप भी इतना ज़्यादा नहीं सोच रहे थे उस समय पर, बिकॉज़ आपको भी लगता था कि पता नहीं क्या है रिश्ते में। लेकिन यहाँ पर कार्ड कहता है कि इस साल सुरक्षित हैं आप प्रेम करने के लिए, तो इसीलिए प्रेम अपने पार्टनर के प्रति व्यक्त कीजिए, पार्टनर के प्रति अच्छा व्यवहार कीजिए, प्लेफुलनेस रखिए, ओके। अगर आप कमिटेड है तो भी वही करना है, नॉन कमिटेड है तो भी वही करना है, ओके। नए पार्टनर ढूंढते हैं तो भी करना है। सी, आई थिंक रिलेशनशिप में कोई तभी उतरता है कि जब वो रियल में उस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए चलाना चाहते हैं। अगर आप नहीं चलाना चाहते हैं, अगर ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, तो फिर उस रिश्ते में ना उतरिए। आई डोंट नो, ये चीज़ सी पता नहीं ये बात आपको अच्छी लगेगी या नहीं, लेकिन ये बात मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ डिस्कस की कि इंडिया में ये बहुत ज़्यादा है, बस रिलेशनशिप में ऐसे ही उतरना है, कमिटमेंट नहीं चाहिए किसी का, लेकिन बस टाइम पास करने के लिए या फिर फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। आई डोंट नो, इट इज़ लाइक वेरी शॉकिंग थिंग, ये इंडिया के संस्कार नहीं है, और इस तरह का हल्का बिहेवियर इंडिया के लोगों को बिल्कुल नहीं सूट करता है। अगर किसी को प्यार करते हैं तो उसी के साथ कमिटमेंट कीजिए, उसी के साथ शादी कीजिए। ये क्या बात हो गई कि आप किसी को पसंद करते हैं तो बस फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स ऐसे ही घूमना है बिना शादी के, कोई नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, दैट इज़ टोटली शेमफुल। या तो जी हाँ, तो ये बात ज़रूर आप ध्यान में रखिए। और तो हाँ, तो ये था आपके लिए लव लाइफ का रीडिंग। और अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में भी है फिर भी देखो, यहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी पार्टनर के साथ का रिश्ता सुधारने के लिए, बिकॉज़ ये कहता है काफ़ी लंबे अरसे तक आप अपने रिश्ते को चला पाएंगे, लेकिन आपको उसमें अपना इनपुट देना है, अपनी मेहनत देनी है। जहाँ पर आप मेहनत करना बंद करते हैं वहाँ पर रिजल्ट आना बंद हो जाता है। इसीलिए लव लाइफ में अगर आप मेहनत करना बंद कर देते हैं तो वहाँ पर भी रिजल्ट आना बंद हो जाएगा। काफ़ी लोगों को लगता है अरे प्रपोज कर दिया, शादी कर ली, अब इससे ज़्यादा हम क्या करें, इससे ज़्यादा हम क्या बड़ा सबूत दें इनको कि हम इनसे प्यार करते हैं।
अगर आपको अपना रिलेशनशिप पार्टनर के साथ का रिलेशनशिप हेल्दी तरह से सुधारना है, मतलब अच्छी तरह से वो चलते रहना चाहिए, आप जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक, तो आपको प्रयास करने पड़ेंगे। ओके, कैसे प्रयास करने हैं? पार्टनर को घुमाने लेकर जाना है, पार्टनर को फिर से और फिर से प्रपोज करना है, पार्टनर को खुश करना है। अगर वो आपसे रूठ जाए तो उनको मनाना है। मुझे पता है ये सभी कुछ कॉमन सेंस है, लेकिन काफ़ी लोगों को बताना पड़ता है। चलिए, आपकी फैमिली लाइफ में क्या हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए, ये यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सी, किसी तरह से मुझे लगता है यहाँ पर एक तो यूनिकॉर्न आया है और किसी तरह से यहाँ पर इतने ज़्यादा कार्ड्स हैं। या देखो, एक तो ये कार्ड है और ये दोनों कार्ड्स हैं। इतने ज़्यादा बुरे कार्ड्स नहीं है, लेकिन ये दो कार्ड इतने ज़्यादा नेगेटिव नेगेटिव माहौल दिखाते हैं। अब नेगेटिव माहौल ज़्यादा आपके फैमिली में नहीं रहेगा, आपके मन में रह सकता है और काफ़ी ज़्यादा आपका मन विचलित हो सकता है। आपका मन आपके मन में इतना ज़्यादा भरा है, सब कुछ नेगेटिविटी भरी है, कि वो सारी नेगेटिविटी आपको लगती है कि आपकी बाहर की दुनिया में भी है। आपके बाहर बाहर कौन है? आपकी फैमिली लाइफ। आपकी फैमिली में लाइफ में वो सारी नेगेटिविटी है, तो अगर वो सारी नेगेटिविटी आप बाहर अपनी फैमिली पर प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको वही लगेगा कि आपकी फैमिली लाइफ बहुत ख़राब है। लेकिन देखिए, यहाँ पर जैसे ये दो कार्ड्स बताते हैं, सिर्फ आपके भीतर है ये सारी नेगेटिविटी और आपका फ़र्ज़ है। देखो, कोई भी व्यक्ति अगर उसके भीतर नेगेटिविटी है तो ये उसी का फ़र्ज़ है कि वो नेगेटिविटी बाहर निकालनी है। अगर आप बाहर नहीं निकालेंगे तो आप ही तड़पेंगे, तो वो नेगेटिविटी आपको बाहर निकालनी है। अब आपका सवाल होगा कि वो कैसे आप निकालेंगे। एफर्मेशंस बहुत ही अच्छा तरीका होता है, EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। दोनों के ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसकी लिंक्स मैं इस वीडियो के नीचे आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो वो ज़रूर देखकर अपने लिए एफर्मेशंस कीजिए। ओके, मैंने ऐसे काफ़ी लोगों को देखा है कि नेगेटिव माइंडसेट बस उसका उनका है और वो अपने बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अभी आपको पता चल गया कि आप क्या कर सकते हैं। ओके, तो जी हाँ, ये एक बात है। इसके बाद आपको और बात बताऊं कि देखो, फैमिली के लिए एक तो काफ़ी पैसे आ सकते हैं इस साल। ओके, आप अच्छे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे फैमिली के लिए। फैमिली में अच्छी तरह से इमोशनल बैलेंस रहे, फैमिली यूजुअली अच्छी तरह से इमोशनल बैलेंस्ड रहेगी और बाहर के लोगों को भी ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छे से बैलेंस्ड है। देखो, अब यहाँ पर क्या होता है पता है? यहाँ पर मैंने बताया कि आपके मन में सारी नेगेटिविटी है, लेकिन बाहर की दुनिया को तो ऐसा ही लगेगा कि फैमिली अच्छा स्टेबल है। तो वहाँ पर क्या होगा पता है? कुछ लोग ऐसे इस तरह से भी ले लेते हैं कि मतलब दुनिया के हिसाब से फैमिली अगर अच्छी है तो हमें अपने ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सी, ये जो मैंने बताई प्रोसेस EFT और एफर्मेशंस, इसमें मेहनत लगती है। पॉजिटिव थिंकिंग, अगर माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव शिफ्ट करना है तो बहुत मेहनत लगती है, बिकॉज नेगेटिव आपकी सोच बनाने के लिए आपने सालों से कितना ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग किया है, तब जाकर अब वो आपकी पैटर्न बन गई है। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इजी के आप ना करें, आप जाने दो, नहीं, चलो जाने दो, जो भगवान की मर्जी है। लेकिन मेहनत करके अपना माइंडसेट शिफ्ट करना और अपने माइंड को पॉजिटिव बनाना बहुत मुश्किल है, कि जो बहुत ही कम लोग करेंगे। ये वीडियो जितने लोग देखते हैं, मैं बताऊं आपको, सिर्फ 10% लोग करेंगे ये सब एफर्मेशंस और EFT। बाकी के लोग अच्छा, मतलब दुनिया के हिसाब से पॉजिटिव है, तो चलो चलने दो, किसी को क्या पता चलेगा कि आपके दिमाग में कितनी नेगेटिविटी है। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा लोग ऐसा सोचते हैं। एक और बात आपको बताऊँ, यहाँ पर यूनिकॉर्न दिखाया गया है। यूनिकॉर्न जब भी कार्ड में आता है तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आता है, मतलब कि अगर आप प्रयास करोगे, EFT एफर्मेशन का इस्तेमाल करके अगर आप प्रयास करोगे, बहुत ज़्यादा आपका मन पॉजिटिव हो सकता है इस महीने, इस साल। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग, कि लाइफ में जब भी कुछ नेगेटिव होता है तो वो हमेशा एक तरह का बदलाव लेकर आता है, लेकिन अगर आप वहाँ पर बदलते नहीं हैं तो आप उसी तरह का, वो हम कहते हैं ना कि दलदल, उसी दलदल में आप फंसे रहते हैं। अगर इस साल आपने वो दलदल में से बाहर निकलने का प्रयास नहीं किया तो अगले साल भी आप उसी दलदल में फंसे रहेंगे। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर दो उपाय बताए हैं। अब ये कार्ड कहता है यू विल नो इन द मॉर्निंग। ओके, कहीं ना कहीं अगर फैमिली में कभी भी प्रॉब्लम होता है तो आपको रात को वो सवाल एंजल्स को पूछना है और सो जाना है। जब आप सुबह उठेंगे
तो उस बात का आपको सल्यूशन, उस बात का आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगली बात आपको बताऊँ कि यस, जैसे ये दो कार्ड्स मैंने आपको बताए कि काफ़ी पैसे इस साल आ सकते हैं फैमिली में, किसी तरह का आपने इन्वेस्टमेंट किया था कि जो हाँ मतलब जिसका प्रीमियम पता नहीं क्या आ सकता है, अभी मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, प्रीमियम नहीं लेकिन इन्वेस्टमेंट अभी हाँ मतलब हम कहते हैं ना फ्रूटिफाई होगा, वो हो सकता है, पॉलिसी पक सकती है, ऐसा कुछ तो वो हो सकता है। तो यहाँ पर आपको जितने भी पैसे आते हैं घर में, आपको कोशिश करना है कि उसे अच्छी जगह पर आप इन्वेस्ट करो, अच्छी जगह पर उसको लगा दो ताकि पैसे वापस और वापस ग्रो करते रहे। ओके, अगली बात ये कार्ड बताता है, देखो काफ़ी ज़्यादा माइंड नेगेटिव, मैंने जैसे बताया दो कार्ड से काफ़ी मन नेगेटिव हो सकता है, पास्ट में आपने जो गलतियाँ की, पास्ट में आपके साथ जो हो चुका है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आपका माइंड चिंतित हो सकता है, उसी के साथ काफ़ी डिप्रेसिव विचार आपके मन में आ सकते हैं और आपको शायद यू नो आप इतने डिप्रेसिव विचार आ सकते हैं कि आप खुद अपने लिए, अपने अपने आसपास के लोगों के लिए काफ़ी नेगेटिव सोचें, और ये नेगेटिव सोच इतनी भारी पड़ सकती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा आप उसे अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। ओके, इसीलिए यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं, देखो जब देखो एक बात याद रखो, लाइफ में जब भी कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है उसमें हमेशा एक छिपा हुआ एक ब्लेसिंग होता है। लाइफ में कभी भी अगर श्रापित जीवन लगे तो वो श्रापित श्राप में भी किसी तरह का आशीर्वाद ज़रूर होता है, लेकिन आपके अंदर उतनी काबिलियत होनी चाहिए कि उस श्राप को आप आशीर्वाद में पलट दें। ओके, तो इसको आपको आशीर्वाद में कैसे पलटना है, कार्ड बताते हैं कि जब आप अपने मन को फ्री रखते हैं, माइंड को आप जब फ्री रखते हैं तो वो हम कहते हैं ना कि खाली मन शैतान के मन जैसा है, तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है जब खाली बैठे रहते हैं, खाली बैठकर नेगेटिव सोचते रहते हैं तब, लेकिन ये कार्ड कहता है अपने आप को फ्री मत बैठने दो, कुछ ना कुछ सीखो, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करो, किसी ना किसी चीज़ में आप अभी मास्टर नहीं हो। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि अरे अब क्या और सीखना, स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई तो हो गई और क्या हम सीखें। देखो लाइफ में सीखना कभी नहीं बंद करना है, लाइफ में जब तक आप जीते हैं तब तक अगर आप सीखते रहते हैं तो आप विकसित होते रहेंगे, जब आपने सीखना बंद कर दिया आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आना शुरू हो जाएगी, इसीलिए सीखना शुरू करें ताकि आपका माइंड जो नेगेटिव दिशा में जा रहा था वो जाना बंद हो जाए। ओके, तो ये था आपके लिए फैमिली के लिए रीडिंग। ओके, स्पेशली देखो आप फैमिली में आपके लिए कितना ज़्यादा बताया गया है, और ये है कि आपके लिए भी है और आपके पूरे फैमिली के लिए, अगर फैमिली खाली बैठा रहता है या फिर अगर आप सब एक दूसरे के साथ खाली बैठे रहते हैं, कोई अच्छी वजह नहीं है, तो हो सकता है आप काफ़ी एक दूसरे के प्रति नेगेटिव सोच भी रख सकते हैं, तो वो सोच कैसे ना आए, फैमिली के सभी लोग कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करें कि जो फैमिली के विकास के लिए अच्छा है। ओके, चलिए अब यहाँ पर पर्पस की बात करते हैं। अब करियर और पर्पस दोनों अलग अलग ऑप्शन की तरह मैंने लिया है, आपका सवाल हो सकता है क्यों, क्योंकि करियर के लिए दुनिया आपको तैयार करती है, हाँ आपको करियर के लिए तैयार करती है, पैसे कमाने के लिए तैयार करती है, आपका पर्पस क्या है वो आपको कोई नहीं सिखाता है। ओके, इसीलिए पर्पस के बारे में जानना जरूरी है और करियर का भी अलग सा रीडिंग हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखो आपको बताऊं कि पर्पस आपके लिए यहाँ पर पहले तो सी करियर चेंज का कार्ड है और ये कार्ड है, ये जो दो कार्ड्स है ये बता रहे हैं कि किसी तरह का बदलाव इस समय ज़रूर हो सकता है इस साल। अब जैसे पिछला साल रहा, इतना बड़ा रिसेशन आया पिछले साल की वजह से, जो पैंडेमिक रहा उसकी वजह से, और काफ़ी लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी, काफ़ी लोगों ने शायद अपनी जॉब्स अगर नहीं खोई तो सैलरी कम हो गई या कुछ और नुकसान ज़रूर हुआ। ओके, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को अपने करियर भी चेंज करने पड़ सकते हैं इस साल, बिकॉज यस ये काफ़ी बार आया है, यू आर एम्बार्किंग अपॉन अ करियर दैट ब्रिंग्स, तो एक करियर बदलाव करने की ज़रूरत पड़ सकती है इस साल। और अगर आपका करियर बिल्कुल सही सलामत है, हो सकता है कि आपको साइड में कुछ पार्ट टाइम में कुछ और करना पड़ जाए, बिकॉज यस आपको ज़रूरत पड़ सकती है। यू हैव कम इनटू योर ओन न्यू पार्टनरशिप्स और कॉन्ट्रैक्ट्स, कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। पर्पस में ज़रूरी है कि आप आगे बढ़ते रहो। ओके, पर्पस में सी हर एक मनुष्य इस दुनिया में इसीलिए आते हैं ताकि वो अपने जो जीवन है
आपको जो लाइफ मिली है उसका आप सदुपयोग कर सके इस दुनिया के भले के लिए, ओके? और काफ़ी ज़्यादा आपको अंदरूनी ताकत आपको दिखानी पड़ेगी, आपको बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज़ आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपको क्लैरिटी नहीं है आपका पर्पस क्या है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगाकर आपको अपना पर्पस के लिए क्लैरिटी लाना है, ओके? क्यों लाना है? बिकॉज़ कहीं ना कहीं आपके लिए आवश्यक है कि आपका जो पर्पस है उसके ऊपर आप चलना शुरू करें इस साल। ये दो कार्ड्स कहते हैं किसी तरह से आप अगर दूसरों को कुछ सिखाते हैं, दूसरों को एडवाइस देते हैं, कंसल्टिंग करते हैं और दूसरों को गाइडेंस देते हैं, तो किसी तरह का गाइडेंस, ये सब कुछ जो मैंने कहा, ऐसा कुछ करियर में आपको करना पड़ सकता है, ओके? तो जी हाँ, ये एक बात है। उसके बाद हम ये कार्ड देखते हैं, सीड्स ऑफ अबंडेंस। देखो, अबंडेंस का कार्ड आया है, मतलब देखो इस साल यहाँ पर पैसे का रीडिंग अभी हमने नहीं किया है, लेकिन ये कार्ड बताता है अगर आप इस साल अपना पर्पस के ऊपर आप काम करना शुरू करते हैं तो भविष्य में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आप अट्रैक्ट ज़रूर कर पाएंगे, ओके? ये कार्ड कहता है इट इज़ अ कंटिन्यूअल फ्लो ऑफ एनर्जी टू द होल। अबंडेंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड विदाउट हैविंग अ लार्ज बैंक बैलेंस। ओके, ये कार्ड क्लियरली बताता है इस साल के लिए कि अगर ज़्यादा पैसे नहीं हैं फिर भी आप अबंडेंस का आनंद उठा सकते हैं। आप कहेंगे अरे यार वो कैसे, जब आपके पास सब कुछ होता है जिसकी आपको आवश्यकता है। हाँ, भले आपने सपने में बहुत बड़े बड़े कुछ डिज़ायर्स आपके होंगे, बहुत बड़े सपने होंगे कि हाँ ये चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, ऐसा घर चाहिए, इतने पैसे चाहिए, लेकिन अगर वो सब नहीं भी है फिर भी आपका जीवन निर्वाह करने के लिए जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो सब कुछ आपके पास है, तो भाई दुख किस बात का है, ओके? या ये कार्ड कहता है लाइफ टेंड्स टू मिरर बैक अस और इंटरनल एक्सपीरियंसेस। आपके मन में जो है वही आपके बाहर की दुनिया में हो सकता है। और जी हाँ, इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड फर्स्ट चेंज द माइंड। तो आपको अगर दुनिया को बदलने के लिए अपना पर्पस आजमाना है, पर्पस के ऊपर काम करना है, तो पहले अपने मन को बदलना शुरू कीजिए। देखो, अपने मन को बदलना, मन को सुधारना कोई बुरी बात नहीं है, ओके? बिकॉज जो आप है उससे आप कई ज़्यादा बेहतर बन सकते हैं अगर आपने प्रयास किए तो। ये कार्ड क्या कहता है, लाइफ स्वीटनेस इज कंटेन्ड विद इन ईच पासिंग मोमेंट, सो बी प्रेजेंट टू द ब्यूटी ऑफ लाइफ, टू द ब्यूटी दैट लाइफ फ्रीली ऑफर्स। तो आपको जीवन में जो मिल रहा है उसमें आप उसका आनंद उठाना शुरू कीजिए। अब ये बहुत अच्छी एक प्रोसेस है कि जो ये प्रोसेस करने की वजह से आपका पर्पस आपके लिए स्पष्ट हो सकता है। तो वो कैसे करना है, देखो, आपको रात को सोने से पहले तीन कोई ऐसे अनुभव, दिन भर के तीन ऐसे अनुभव आपको याद करने हैं जहाँ पर आप उस अनुभव के लिए, उस व्यक्ति के लिए शुक्रगुजार है। जैसे किसी ने आपको लिफ्ट दी तो उसके लिए थैंक यू कहिए। आपके मम्मी ने आपके लिए अच्छा सा कुछ खाना बनाया, उनके लिए थैंक यू कहिए। या तो आपके बच्चे ने आपको कुछ बहुत प्यार से कुछ कहा, उसके लिए थैंक यू कहिए, ओके? तो ये जब आप करेंगे, जो है उसके लिए शुक्रगुजार होना शुरू करेंगे, तब बहुत ज़्यादा आपके अंदर से जो नेगेटिविटी है, ईगो है, वो कम हो सकता है कि जो आपका विकास कर सकता है, ओके? तो जो आपको करना आवश्यक है, तो ये आपको कब करना है, ये आपको रात को सोने से पहले 7 से 10 बार बोलना है। नॉट एग्जैक्टली 7 से 10 बार, ये आपको रात को सोने से पहले 3 चीज़ें आपको याद करनी है, उसके लिए शुक्रगुजार होना है। जी हाँ, ये एक बात है। और आपको बहुत ही जल्द क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी, आपका जो पर्पस है उसके लिए आपको स्पष्टता मिलना शुरू हो जाएगी, ओके? चलिए अब देखते हैं आपके करियर में क्या हो सकता है। जैसे मैंने कहा, करियर का भी देखना आवश्यक है, बिकॉज इस साल नहीं, आपकी लाइफ में आप करियर के लिए तैयार किए गए हैं, ओके? ये कार्ड कहता है कि इस साल करियर में कुछ बदलाव हो सकता है। और यहाँ पर कर्म का कार्ड है, ओके? जस्टिस का कार्ड है कि जो कहता है अगर आपके कर्म अच्छे रहे तो आपका करियर स्टडी रहेगा, अगर आपके कर्म बुरे थे पहले भी तो शायद आपका करियर में कुछ ना कुछ 19-20 हो सकता है। सी, लेट मी टेल यू,
जैसे आपको बताऊं, ये कर्म वाला कार्ड काफी लोगों के लिए आया है और आपको इसमें बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है कि भाई आपके आपके पिछले कर्म कितने बुरे हैं। अगर पिछले बुरे कर्म की वजह से कुछ आप नेगेटिव भोग रहे हैं तो उस श्राप को आप ब्लेसिंग में जरूर बदल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक तो आपको जो भी आप कर रहे हैं करियर में, आपको देखना जरूरी है कि वो आपको कैसा रिजल्ट दे रहा है, कैसा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, कैसा संतोष दे रहा है। अगर आप उसे संतुष्ट नहीं है, जितना रिजल्ट आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली कार्ड्स कहते हैं कि आपको अपने सपनों के पीछे भागना चाहिए। सपनों के पीछे मतलब क्या? अपने पर्पस के पीछे आपको काम करना है, जो आपका सपना है वो आपको करना है। ओके, उसके बाद ये कार्ड कहता है कि नाउ इज द परफेक्ट मोमेंट टू डाइव एंड एम्ब्रेस योर हार्ट्स डिजायर। देखो, दो कार्ड ये ड्रीम्स फॉलो करने को कहता है, ये आपके दिल की जो इच्छा है, दिल का जो मार्ग है उसको फॉलो करने को कहता है। अब आपका सवाल हो सकता है कि मुझे कैसे पता चले मेरा दिल क्या कह रहा है। मैंने उसके ऊपर बहुत एक अच्छा वीडियो बनाया हुआ है कि हाउ टू मेक द डिफरेंस, आपका दिल और आपका दिमाग क्या कहता है उसके बीच में फ़र्क कैसे पता लगाएं, तो उसका वो वीडियो ज़रूर देखिए। इस वीडियो के नीचे उसे शेयर ज़रूर कर दूंगी। ओके, ये कार्ड कहता है यू आर अ पावरफुल हीलर, कीप अप द ग्रेट वर्क। आप एक बहुत ज़्यादा पावरफुल हीलर हैं। अब या हीलर मतलब तो बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के हीलर होते हैं, लेकिन किसी से बात करके आप उनकी परेशानी दूर कर सकते हैं। तो एडवाइज़र, गाइडेंस देना, कंसल्टिंग करना, किसी के साथ बात करना। ओके, तो बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के कंसल्टेशंस होते हैं, एडवाइजिंग होते हैं, और तो वो आप देख लीजिए कि आप किस तरह का एडवाइज़र या कंसल्टेंट या गाइड बनना चाहेंगे। तो हाँ, तो ये था आपके लिए करियर वाला रीडिंग। चलिए अब देखते हैं आपके जीवन में पैसे कैसे रहने वाले हैं इस साल। पैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबको पैसे का रीडिंग ज़रूर देखना है, यू नो कि पैसे आएंगे कि नहीं। लेट मी टेल यू, इंडिया में इतने ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है पैसों से। अब सी, बहुत फ्रैंकली एक बात कहूँ कि इंडिया में एक बात बच्चों को सिखाई जाती है बचपन से कि पैसा बहुत ही बुरी चीज़ होती है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे आ गए तो आप बुरे इंसान बन जाएंगे। लेकिन बड़े हो जाए उसके बाद एक बहुत कड़वी सच्चाई ये है कि पैसे के बिना आप अपना जीवन निर्वाह नहीं कर पाएंगे। हर जगह पर जहाँ पर आप जाएंगे वहाँ पर पैसे ज़रूरी होंगे। ओके, प्रतिदिन पैसे की ज़रूरत हर एक व्यक्ति को पड़ती है, खाना खाने से लेकर आपका मोबाइल का बिल या फिर कहीं पर ट्रैवल करके जाना, सब में पैसे लगते हैं। ओके, तो इसीलिए पैसे का रीडिंग देखना आवश्यक है। सबसे पहले कार्ड ये बताते हैं कि इस साल ज़्यादा पैसे आने वाले नहीं हैं बाहर से, जो आपके पास है वही आपकी जमा पूंजी रहेगी। तो ये एक बात है, मुझे पता है कि जो मैंने आपको बात कही शायद बुरी है, आपको अच्छी ना लगे, लेकिन जो भी है बताना आवश्यक है। जो पैसे आएंगे बहुत ही कम मात्रा में आएंगे, मतलब जितना आप काम करेंगे उतनी मात्रा में पैसे आएंगे, और इसीलिए उस पैसे को संभाल कर यूज़ करना ज़रूरी है। अगर ज़रूरत ना पड़े तो उसे ना खर्च करें। ओके, ये कार्ड्स कहते हैं, देखो ये जो दो कार्ड्स कहते हैं कि अगर पैसे नहीं है फिर भी टेंशन की क्या बात है। ओके, एडवेंचर मतलब, अगर देखो पैसे का डायरेक्ट कनेक्शन है आपके समय से। अगर आप जीवन में ज़्यादा समय काम में बिताते हैं तो इट इज़ बट ऑब्वियसली गोइंग टू गिव यू सम रिजल्ट। अब डेफिनेटली इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा यू नो लोगों ने बताया है कि स्मार्ट वर्क ज़रूरी है, ये वो। तो हाँ, आई जस्ट अज्यूम कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं जहाँ पर आपका काम अच्छे से उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। ओके, आप ऐसे ही अनशन कुछ नहीं कर रहे हैं, आई जस्ट अज्यूम कि आप ऐसा काम कर रहे हैं तो आपका समय काफ़ी अच्छी तरह से आप बिताएंगे काम करने में, कि जहाँ पर वो आपके जीवन में पैसे लेकर आएगा। लेकिन अगर वो नहीं होता है तो काफ़ी समय आपका बचेगा कि जो समय आपको एडवेंचर में बिताना चाहिए। एडवेंचर मतलब कि आपको कहीं पर घूमना चाहिए, जैसे कि सी वैसे तो माउंटेन्स पे आप जाते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, वो सब एडवेंचर्स में माना गया है, लेकिन आप अपने हिसाब से, बिकॉज़ यहाँ पर पैसे कम है, जो आपके लिए मतलब अच्छी तरह से आप मैनेज कर सकते हैं आपके पैसों के साथ, ऐसा एडवेंचर कीजिए। ओके, ये कार्ड बताता है कि आपके जीवन में पैसे भले कम हैं
लेकिन आशा की किरण जगाए रखनी है, खुश रहना आवश्यक है। कई बार अगर इंसान के लाइफ में, किसी भी व्यक्ति की लाइफ में पैसे ज़्यादा नहीं है तो वो इतनी ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, दुखी हो जाते हैं, लेकिन पैसा और दुख का कोई कनेक्शन थोड़ी ना है। अगर आप चाहते हैं तो आप खुश भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पर बताया गया है, जो आपको, आपके पास थोड़े पैसे तो है कि आपके जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त है। मुझे पता है कि आपके सेविंग्स के जो पैसे हैं वो आपको ऐसे ही नहीं उड़ाने हैं, आई नो दैट। लेकिन अगर लाइफ में कभी ऐसा समय आ भी जाए कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप कितना ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, कितना दुखी होते रहेंगे, और दुखी रहने से क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? मैंने जैसे कहा, करियर में और पर्पस में करने की आवश्यकता है, वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आप धीरे धीरे अपना पैसे का जो स्टेटस है वो आप चेंज कर पाएंगे। ओके सी, अब जैसे मैंने कहा, पैसे कितने आपके पास, जितने सेव्ड है वो आपके पास रहेंगे। अब जितने लोग ये वीडियो देखते हैं, सबके साथ अलग अलग हो सकता है, बिकॉज सबके सेविंग्स अलग अलग होंगे। तो आई डोंट नो कि आपका सेविंग कितना है, और मुझे जानना भी नहीं है। लेकिन जो भी आपका सेविंग्स है, आपको जितना हो सके उतना उसको संभाल कर रखिए, ज़्यादा लोगों को दिखाइए मत, बिकॉज जाहिर सी बात है दूसरों के पास भी ज़्यादा पैसे नहीं हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, आपकी लाइफ में भी कम है, तो इसीलिए ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है उसके साथ। ओके, देखते हैं आपके जो जनरल रिलेशनशिप्स है वो कैसे रहने वाले हैं इस साल। जनरल रिलेशनशिप्स में कौन कौन से रिश्ते आए? फैमिली और लव लाइफ की बात हमने कर ली। जनरल रिलेशनशिप मतलब फैमिली और लव लाइफ के सिवा जितने भी लोग हैं, जैसे कि फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, आपके पड़ोसी हैं, आस पास के लोग हैं, उनके साथ किस तरह से आप डील कर सकते हैं इस साल। ओके, तो उसके लिए हम रीडिंग देखते हैं कि क्या आपको करना चाहिए। और हाँ, तो यहाँ बताया गया है कि एक तरह से प्रेम दूसरों को देना और दूसरों के बारे में बिलीव करना कि वो भी आपसे प्रेम कर रहे हैं, वो जानना ज़रूरी है। दूसरी बात, जब आप अपने अपने पर्पस के ऊपर काम करते हैं, ड्रीम्स के ऊपर काम करते हैं, कोई अगर आपको नीचा गिराने की कोशिश करे, वहाँ पर पीछे नहीं हटना है। ओके, आपको अपना प्रयास करना है, ठीक है? वहाँ पर आपको किसी के नीचे दिखाने से, किसी के नीचे आपको उतारने के प्रयास से आपको पीछे नहीं हटना है। ये कार्ड बताता है कि आपके पास, देखो, काफ़ी ज़्यादा आपके पास अलग अलग लोग होंगे, और यहाँ पर आपको काफ़ी, देखो एक बात बताओ, माइंड बिल्कुल शार्प रखना है, मन को बिल्कुल आपको शार्प रखना है, आपको ज़रा भी विचलित नहीं होना है। उसी के साथ आपको, हाँ मतलब वहाँ पर उस रिश्ते में बने ज़रूर रहना है, लेकिन ज़रूरत पड़े तभी वहाँ पर आप मदद कीजिए। ओके, लेकिन किसी को प्रेम देने से चूकिए मत। ये कार्ड कहता है कि, ये दो कार्ड्स कहते हैं कि आपको, आप मतलब आपका प्रेम जो भी है दूसरों के प्रति, उसमें आपको परफेक्शन लाना है। दूसरों को माफ़ कर दीजिए जहाँ पर माफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है, और प्रेम दीजिए जहाँ पर प्रेम देने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, और आपके पास जो भी पैसे हैं, बिल्कुल यहाँ पर किसी को अगर ज़रूरत पड़े तो बांटने नहीं है। सी, मुझे पता है कि अगर किसी को ज़रूरत है तो उनकी मदद अवश्य करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस साल आपको पता है कि आपकी लाइफ में इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो इसीलिए ज़्यादा दिलदार होकर किसी को पैसे बांटते मत फिरिए। ओके, आपके आसपास के रिश्तों में किसी के यहाँ पर कोई बच्चा हो सकता है, और या तो ये एक चांस है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपके जो नॉर्मल रिश्ते हैं उसमें आपको जहाँ पर भी अगर कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहता है, आपको ऐसी संगत में लेकर जाता है कि जो आपके लिए अच्छी नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ आपको डिसकनेक्ट करना है। ओके, जो लोग आपके लिए अच्छे हैं, जैसी संगत आपके लिए अच्छी है, वैसी ही संगत में आपको रहना है, ठीक है? तो चलिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको क्या करना है स्पिरिचुअलिटी में। ओके, अब स्पिरिचुअलिटी में देखते हैं कि आप क्या क्या आपको करना है। अब ज़्यादातर लोगों को लगता है कि वो स्पिरिचुअल नहीं है, और सिर्फ स्पिरिचुअल लोगों को स्पिरिचुअलिटी का रीडिंग देखना चाहिए। लेट मी टेल यू, उसी हर एक व्यक्ति जो है वो स्पिरिचुअल दुनिया से आए हैं,
और आपका ये फर्ज है कि आप अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बैलेंस में रखें। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बैलेंस में रखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को बैलेंस में रख पाएंगे। ओके, चलिए यहाँ पर एक तो दो तीन उपाय आए हैं कि जो मुझे आपको देना ज़रूरी है, आपकी स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस में कैसे रखना है। यहाँ पर एक तो डिटॉक्सिंग पोशंस, सी एक डिटॉक्सिंग नाम की एक प्रोसेस होती है कि जो आप कर सकते हैं। अब डेफिनेटली अगर आपको हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको अपने हेल्थ प्रैक्टिशनर को पूछे बिना वो डिटॉक्सिंग नहीं करना है। ओके, अब डिटॉक्सिंग आपको कैसे करना है, आपको बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के डिटॉक्सिंग आते हैं। आप अपने हेल्थ प्रैक्टिशनर या फिर फिटनेस ट्रेनर को पूछ कर जान सकते हैं कि आपके लिए कौन सा डिटॉक्सिंग का मेथड अच्छा है, और वो उनको पूछ लीजिए। देखिए, ये एक बार करना है, साल में 4 बार आपको ये चीज़ करनी है, ये डिटॉक्सिंग वाली चीज़, जहाँ पर एक दिन आपको एक हाँ मतलब जनवरी में, मार्च में, जून में और सितंबर में, आपको ये 4 महीने का एक एक डेट दिया जाएगा। उस डेट पर आपको डिटॉक्सिंग करना है, या तो डिटॉक्सिंग करना है, ग्रीन जूस जैसे कि सब्जियों का जूस पीना है, करेले का जूस, नीम का जूस। मुझे पता है ये सब जो मैं बता रही हूँ ये ज़्यादातर लोगों को सुनना अच्छा नहीं लगता, ज़्यादातर लोग पीना भी अच्छा नहीं समझते, लेकिन ये अगर आप पीते हैं उस समय पर तो आपका एनर्जी जो है बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो सकता है। देखो, हमने आपका फैमिली रीडिंग में हमने देखा कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा विचलित हो सकता है, और वो आपकी एनर्जी के ऊपर निर्धारित है, आपका माइंड। इसीलिए अगर आप ये डिटॉक्सिंग करते हैं तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा हद तक आप क्लियर कर सकते हैं। ये कार्ड कहता है, यू आर अबाउट टू सी लाइट एट द एंड ऑफ अ टनल, हैव पेशेंस, एंजल्स आर हेल्पिंग यू फॉर अपकमिंग पाथ। आपका जीवन, हम कहते हैं ना कि जीवन में कभी भी अगर अंधकार भरा समय आया है, अंधकार भरा समय भी वैसा होता है कि जहाँ पर आप उजाले के प्रति जाने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं, कि जो ये कार्ड बताता है। लेकिन देखो, आप अंधकार के भीतर अगर है, उजाले के प्रति कितना ज़्यादा तेजी से जा पाएंगे वो आपका ये डिटॉक्सिंग डिसाइड करेगा। अगर डिटॉक्सिंग नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी काफ़ी नेगेटिव रहे। तो हाँ, डिटॉक्सिंग आप अपने फिटनेस ट्रेनर को पूछ कर कीजिए। यहाँ पर एक दिन का उपवास करना होता है और पूरे दिन कुछ डिटॉक्स करें ऐसे कुछ पीना होता है, जैसे मैंने कहा नीम का जूस है, फिर होता है कि कुछ करेले का जूस या फिर पालक का जूस, कुछ ग्रीन जूसेस होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हरी हरी जो पत्ते वाली सब्जियाँ होती हैं सबका जूस बनाकर पीते हैं पूरे दिन भर में। इससे आपके काफ़ी आपके भीतर से एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी है, काफ़ी रिलीज होती है, आपके शरीर में से काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं जिससे आपकी एनर्जी शुद्ध हो सकती है। ओके, चलिए यहाँ पर ये कार्ड देखते हैं। आपका आपके पार्टनर के साथ का जो रिश्ता है उससे आप सी यहाँ पर कुछ कुछ ना कुछ अवश्य हो रहा है। आपकी शादीशुदा जिंदगी में आपके पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ अवश्य हो रहा है, बिकॉज इस बार ये वापस एक शादी वाला कार्ड, लाइफ पार्टनर वाला कार्ड आया है। अगर आप लव लाइफ में है किसी के साथ तो भी अप्लाई करता है। ये कार्ड बताता है कि आपका आपके पार्टनर के साथ का जो रिश्ता है, जितना ज़्यादा बैलेंस रहेगा उतनी आपकी लाइफ बैलेंस रहेगी। और या तो ये भी हो सकता है कि अगर आप अपने पार्टनर को मिलते हैं और आपका रिश्ता कमिटेड होता है तो भी आप बहुत ज़्यादा मतलब अपने बीच बहुत अच्छा रिलेशन बना पाएंगे। ओके, तो ये है। अब यहाँ पर ये दो कार्ड्स देखते हैं कि ये क्या बताना चाहते हैं। ये कार्ड्स बताते हैं कि आपके भीतर जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, जैसे कि ईर्ष्या है, फिर लोभ है, ओके, लस्ट है। अब लस्ट यूजुअली सेक्सुअल एनर्जी से नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चीज़ों का भी लस्ट हो सकता है, पैसों के लिए भी लस्ट वाली फीलिंग हो सकती है। तो जितना भी लस्ट वाला फीलिंग आपके भीतर है आपको उसे त्यागना है, और आपको कंटिन्यूअसली उसे त्यागना पड़ेगा। ओके, और आप कहेंगे वो कैसे करना है, आप उसे एफर्मेशंस के द्वारा निकाल सकते हैं और EFT के द्वारा भी निकाल सकते हैं। ओके, अब इट डिपेंड्स आपके, अब यहाँ पर मैं आपको उपाय क्यों नहीं बता रही हूँ, बिकॉज मैं जैसे मैंने कहा कि लस्ट बहुत ही अलग अलग तरह का हो सकता है, इसीलिए आई एम नॉट टेलिंग यू उपाय, क्योंकि किसी का लस्ट कोई चीज़ से हो सकता है, किसी के भीतर लस्ट किसी और चीज़ का हो सकता है। तो हाँ, आप ये भी कह सकते हैं कि आप इस चीज़ के प्रति, इस व्यक्ति के प्रति सारी मोह माया जो है उसे आप त्याग देते हैं, उस तरह का एफर्मेशन आप बोल सकते हैं। ये कार्ड कहता है कि आप अगर आपके ट्रैवलिंग के प्लान्स रहे हैं
यहाँ पर मुझे पता है हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रैवलिंग अगर आप करने वाले थे इस साल तो हो सकता है कि उस प्लान में चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर आपको कोशिश करना है कि कहीं पर कुछ स्पिरिचुअल आपका ज्ञान बढ़े, स्पिरिचुअल आपकी एनर्जी बढ़े, वैसी कोई जगह पर आप जाइए, ऐसी कोई जगह पर आप मेडिटेशन वगैरह करने जा सकते हैं। मेडिटेशन के क्लासेस कहीं पर होते हैं, योगा के क्लासेस होते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग। ओके, यहाँ पर ये 3 कार्ड्स हमारे पास अभी भी है। ये बता रहा है आई सेंड लेमुरियन हीलिंग टू दी अर्थ। अब लेमुरियंस की एक लेमुरियन हीलिंग क्या है, इसका मैं आपको लिंक आपके लिए छोड़ दूंगी, वो आप ज़रूर वहाँ से देख लीजिए। लेमुरियन हीलिंग आप भेज रहे हैं पृथ्वी की तरफ, ये एक एफर्मेशन है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। इसके ऊपर भी आप जैसे मैंने कहा, एक तो आप डिटॉक्सिंग कीजिए, दूसरी बात है कि आप जिस दिन डिटॉक्स करते हैं रात को सोने से पहले, ये 3 एफर्मेशंस के ऊपर काम करना है। क्या एफर्मेशन है? आप पृथ्वी के प्रति लेमुरियन हीलिंग भेजते हैं। दूसरा एफर्मेशन, आप शुक्रगुजार हैं, आप प्रेम पूर्वक इस कुदरत के प्रति, हाँ आप प्रेम पूर्वक इस कुदरत को आशीर्वाद देते हैं, ये दूसरा एफर्मेशन है। और तीसरा एफर्मेशन है आई लिसन टू माई डिवाइन फेमिनिन विजडम। इस साल बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपना जो डिवाइन फेमिनिन है उसकी आप सुने। डिवाइन फेमिनिन क्या है उसका वीडियो मैं नीचे रख दूंगी आपके लिए। तो डिवाइन फेमिनिन की आप बात सुने, उसके हिसाब से आप करें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस साल। ओके, तो ये था आपके लिए वीडियो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। चलिए अब देखते हैं महीने दर महीने का रीडिंग आपके लिए। क्या आपका जनवरी का महीना जो है, क्या आपके लिए लेकर आ सकता है और क्या आपको इसमें करना चाहिए ताकि आप अपने जीवन को बहुत ज़्यादा संतुलित रख पाएं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रख पाएं। देखो कुछ ना कुछ, जैसे मैंने कहा, आगे भी 2 कार्ड्स में शादीशुदा जिंदगी के लिए कुछ ना कुछ आया, या तो लव लाइफ के लिए कुछ ना कुछ आया। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कुछ भी करके अपने पार्टनर के साथ का जो रिश्ता है इस साल आप बैलेंस में रखने का प्रयास करें, जब भी आपको अवसर मिले तब। यहाँ पर भी शादी वाला कार्ड आया है। अगर आप सिंगल है तो चांसेस है कि आपकी शादी या तो यहाँ पर हो सकती है इस महीने, शादी या तो इस महीने में तय होगी कि कहाँ कौन से महीने में आप शादी करेंगे, या तो आपको शादी करने लायक कोई पार्टनर मिल जाएगा कि जो जनवरी में मिल सकता है। ओके, और एक बात आपको बताऊं, इस महीने में आपको संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। वो संतुलन आप कैसे बनाए रखेंगे? पहले तो इमोशनल सेंसिटिविटी, आपके भीतर इतनी ज़्यादा भावनात्मक संवेदनशीलता होगी कि आप शायद अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाएंगे। एक बात याद रखिए, ऐसे ही लोगों के साथ मिलिए कि जो आपकी भावनाओं को समझते हैं, जो आपकी भावनाओं का उपहास उड़ाते हैं, आपकी भावनाओं को हर्ट करते हैं, ऐसे लोगों से नहीं मिलना है। बिकॉज इस महीने आप वैसे भी बहुत ज़्यादा संवेदनशील रहने वाले हैं। ये कार्ड कहता है अगर कोई भी आपका दिल दुखाता है उस व्यक्ति को आपको फॉरगिवनेस करना है, उसको माफ़ आपको अवश्य करना है। ओके, ये कार्ड कहता है कि आप जितने ज़्यादा ऊपर उड़ेंगे इस महीने, किसी भी तरह से ये हो सकता है, लेकिन जितने ज़्यादा आप प्रयास करेंगे, जितना ज़्यादा ऊपर उठने का प्रयास करेंगे, आपके आसपास के लोग आपको नीचा गिराने का प्रयास कर सकते हैं। वहाँ पर आपकी इमोशनल सेंसिटिविटी ज़्यादा हो सकती है कि जिसका आपको ध्यान रखना है। ओके, ये भी हो सकता है कि आपके जो लाइफ पार्टनर है वो भी आपको नीचा दिखाने का प्रयास करें। नीचे, हम कहते हैं ना, कई बार लोगों को डर लगता है कि अगर आप बहुत ऊंची उड़ान भरते हैं, उनको इस बात का डर लगता है कि अगर आपका वो सपना सच नहीं हुआ तो आप बिल्कुल मुंह के बल नीचे गिरोगे। तो वो नहीं चाहते कि तब आपको बहुत ज़्यादा दुख हो, इसीलिए अभी वो आपको वो दुख देना चाहते हैं। ओके, ये कार्ड कहता है यू आर फ्लाइंग राइट नाउ विच मे थ्रेटन अदर्स, डोंट डिसेंड बिकॉज अदर्स विल सून बिकम इंस्पायर्ड बाय योर एग्जाम्पल। आप बहुत ऊंची उड़ान भर रहे हैं जिसकी वजह से दूसरों को डर लग सकता है, लेकिन उनके डर की वजह से आपको अपनी उड़ान कम नहीं करनी है। बहुत ही जल्द आप दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाएंगे। ओके, ये बात याद रखिए। ये कार्ड कहता है, या मुझे लगता है आप में से जितने भी लोग सिंगल हैं, आप बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको कोई अच्छा सा व्यक्ति मिल सकता है कि जो आपका केयर ले, आपका ख्याल रखे। तो जी हाँ, ये एक बात है। एक और बात याद रखिए, इस महीने आपको बहुत ज़्यादा इच्छा हो सकती है पैसे देने की, किसी का किसी ना किसी को मदद करने की,
कि जो यहाँ पर कार्ड दिखा रहा है, ओके, बहुत चांसेस है कि आप फिसल जाएंगे और पैसे की मदद करना चाहेंगे दूसरों को, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, इस साल पैसे ज़्यादा नहीं हैं, इसीलिए पैसे अगर आपके पास आते भी हैं तो भी ज़्यादा दयालु नहीं होना है। किसी को अगर लगता है कि ज़रूरत है, आई स्टिल डोंट फील, मुझे फिर भी नहीं लगता है कि आपको मदद करनी चाहिए, हाँ यहाँ पर मदद करना बताया गया है, किसी को आप श्रम दान दे सकते हैं, किसी की मदद के द्वारा आप उनकी मदद कर सकते हैं, ओके, मदद करो, किसी को आप समय दो, किसी के लिए मेहनत करो, उस तरह से आप उनको किसी प्रकार का दान दे सकते हैं, लेकिन पैसे का दान आई डोंट थिंक इज़ अ गुड आइडिया दिस ईयर, ओके। ये कार्ड कहता है कि आपका जो माइंडसेट है उसे बदलना आवश्यक है, अच्छा माइंडसेट डेवलप करना आवश्यक है इस साल, ओके। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग। जनवरी के महीने के लिए चलिए देखते हैं फरवरी का महीना क्या लेकर आ रहा है आपकी तरफ, और आपको क्या करना चाहिए इस समय में ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बना पाएं, ओके। सो फरवरी का महीना कहता है कि सबसे पहले है कि इफ़ यू गेट नर्वस, फोकस ऑन सर्विस, ठीक है। फरवरी के महीने में कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य लगता है कि आप हो सकता है काम के सिलसिले में आप टेंशन में आ सकते हैं आपके काम को लेकर। अगर आपको टेंशन आती है, सी लेट मी टेल यू, मुझे अभी का पता है, अभी का माहौल कैसा चल रहा है प्रेजेंट लाइफ में, हमारी जो दुनिया अभी की है वास्तविकता उसमें क्या चल रहा है कि सबके पास एक स्टडी जॉब होना चाहिए, सबके पास एक स्टडी इनकम होनी चाहिए, तब जाकर मन शांत रहता है। लेकिन जैसे एक नॉर्मल बात सब लोग कहते हैं कि पैसा कभी भी एक जगह पर ठहरता नहीं है, तो इसीलिए अगर इस साल आपके पास अगर कम पैसे हैं तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप देखो, इफ़ यू गेट नर्वस, फोकस ऑन सर्विस, जितना आप कर्म करते हैं, अगर आप कर्म करेंगे तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। तो इसीलिए अगर पैसे कम होते हैं तो वहाँ पर टेंशन नहीं लेना है, बस अपने कर्म के ऊपर फोकस कीजिए। कैसा कर्म रखने हैं? बहुत ही सर्विसेबल, जहाँ पर दूसरों की आप सहायता करें, ऐसे कर्म करने हैं। तो ये बात ज़रूर याद रखिए। ये कार्ड बताता है फरवरी के महीने में आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो सहस्रार चक्र है, उसको संतुलित रखना और उसको चार्ज करना आवश्यक पड़ जाए। अब ये आपको कैसे करना है? क्वार्ट्ज का क्रिस्टल, स्फटिक का क्रिस्टल, जैसे कि ये है, स्फटिक का क्रिस्टल लेना है और आपका जो क्राउन चक्र है, आपका जो सहस्रार चक्र है, उसके ऊपर इस क्रिस्टल को रखना है और 10 मिनट मेडिटेशन करना है, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय 2 बार आपको दिन में मेडिटेशन करना है, 10-10 मिनट। ऐसा करेंगे तो आपका जो मस्तिष्क का जो चक्र है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आएगी और आपको आपके जीवन में सकारात्मक तौर से मदद करेगी। अब ये मस्तिष्क के चक्र को पहले बैलेंस करना ज़रूरी है, इसीलिए ये वाली प्रोसेस करें, उससे पहले चक्र बैलेंसिंग ज़रूर कर लीजिए, ताकि अगर किसी चक्र में इम्बैलेंस है तो यहाँ पर आप अगर इम्बैलेंस चक्र है तो ये चीज़ शायद आपको विचलित कर सकती है, इसीलिए पहले चक्र बैलेंसिंग कीजिए, फिर ये चक्र को एक्टिवेशन वाली प्रोसेस कीजिए, ओके। अब जैसे मैंने आपको बताया चक्र बैलेंसिंग, आपका सवाल हो सकता है कि अच्छा चक्र बैलेंसिंग कैसे करना है, इसके ऊपर मेरे पास एक फ्री मेडिटेशन भी है और एक पेड मेडिटेशन भी है। पेड मेडिटेशन है वो थोड़ा प्रोफेशनल क्वालिटी का ऑडियो है, तो आपकी मर्ज़ी, आप दोनों में से कोई भी एक लेना चाहे, दोनों की लिंक्स इस वीडियो के नीचे आपके लिए छोड़ दूंगी, ओके। यहाँ पर आपको इस महीने एक बात का ध्यान रखना है कि किसी के साथ झगड़े में नहीं उतरना है। आपको बहुत ज़्यादा खुजली होगी, बहुत ज़्यादा इच्छा होगी कि आप किसी को मुँह तोड़ जवाब दे दो, किसी को आप मतलब नहले पे दहला दे दो, ऐसी बहुत ज़्यादा इच्छा होगी। लेकिन ये कार्ड बताता है कि झगड़ा जितना ज़्यादा हो, मतलब जितनी मतलब हर कोशिश करो कि आप झगड़े में ना उतरो, ओके, बिकॉज अगर आप झगड़े में उतरेंगे तो आपका रिश्ता आप बिगाड़ सकते हैं उस व्यक्ति के साथ। देखो एक बात बताऊँ, हम कहते हैं ना कि तलवार से और तीर से जितने घाव नहीं बनते हैं उतने ज़्यादा घाव इंसान अपनी ज़बान से कर सकते हैं किसी के हृदय पर। इसीलिए मैंने जैसे कहा कि अगर ज़रूरत ना पड़े तो झगड़े में ना उतरिए, ओके। एक और बात है कि आपका लाइफ पार्टनर के साथ के रिश्ते के लिए बहुत अच्छा समय है इस महीने फरवरी में। पार्टनर के साथ बहुत अच्छा समय आप बिता सकते हैं, आपको लाइफ पार्टनर मिल सकते हैं, बहुत अच्छा कोई व्यक्ति के साथ आपकी पहचान हो सकती है,
कि जिसके साथ आपको जीवन पूरा जीवन आप साथ में बिता दो, ऐसी इच्छा हो सकती है। ये कार्ड बताता है हैप्पी फैमिली। ओके, आपकी जो फैमिली लाइफ है बहुत ज़्यादा खुशहाल रहेगी, बहुत ज़्यादा संतोषपूर्वक आप अपनी फैमिली में आप जी पाएंगे फरवरी के महीने में। लेकिन जैसे मैंने कहा, फैमिली लाइफ और लाइफ पार्टनर वाला जो फेज है उसके लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन उसी के साथ ये बहुत ही डेंजर कार्ड आए हैं। अब डेंजर कार्ड नहीं, लेकिन थोड़े बहुत ये कॉन्ट्रोवर्शियल कार्ड्स आए हैं। ये कार्ड कहता है कि आपके भीतर ऐसी इच्छाएं जाग सकती है कि आपको दूसरों को हराना है, उनको गलत साबित करना है। हो सकता है कि वो गलत भी है। देखो, हर बार अपने आप को सही साबित करना, दैट्स नॉट द राइट थिंग। कई बार आप कुछ अनुभव इसलिए करते हैं ताकि आप अपने जीवन में कुछ सीख सकें। तो अगर कुछ लोग गलत हैं और फिर भी वो अपने आप को सही साबित करते हैं, और वहाँ पर आपके लिए कुछ सीखना है कि भले आप सही हैं, फिर भी आप दूसरों का अपमान ना करें, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा विकसित होंगे अगर उस सोच को आप अपने अंदर ला सकते हैं इस महीने। तो जी हाँ, ये चीज़ें करनी है। ये दो कार्ड्स देखते हैं क्या कहते हैं। When you take excellent care of yourself, everybody benefits. देखो, जैसे मैंने आपको कई बार कहा है कि अगर आप अपना ख्याल रखते हैं तो बाकी सारे लोगों का ख्याल आप रखेंगे इनडायरेक्टली। इतने ज़्यादा लोगों को हमने देखा है कि अपना ख्याल नहीं रखते हैं, बस दूसरों का ख्याल अनकंडीशनली रखते रखते जाते हैं। फिर एक बार बम फूटता है। कैसे फूटता है कि आप दूसरों के ऊपर सारा का सारा इल्ज़ाम डालते हैं, हर तरह की नेगेटिविटी उन पर डालते हैं कि भाई आप ही की वजह से, आप हमने आपका कितना किया लेकिन आपने हमें वापस नहीं दिया। इसीलिए देखो, वो फीलिंग आपके भीतर ज़्यादा ना बने, इसीलिए ये कार्ड बताता है व्हेन यू टेक एक्सीलेंट केयर ऑफ योर सेल्फ। जब आप अपने आप का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं, आपके आसपास के हर एक व्यक्ति को उसमें से बेनिफिट होता है। ओके, गिव योर सेल्फ अ रिलैक्सिंग ट्रीट टूडे। ओके, तो काफ़ी, या जैसे मैंने कहा कि आपका माइंड काफ़ी विचलित हो सकता है, आपके भीतर काफ़ी नेगेटिविटी आ सकती है। उस नेगेटिविटी को कैसे दूर किया जा सकता है? देखो, अगर माइंड नेगेटिव हो जाए, माइंड विचलित हो जाए, कि आपका माइंड बिल्कुल टेंशन में आ जाए, उस भावना को कैसे आप निकाल सकते हैं अपने भीतर से? वो एनर्जी इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो अगर आप हफ्ते में 2 बार सॉल्ट वाटर से स्नान करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सॉल्ट वाटर से स्नान करना किसी के लिए शायद कुछ अलग इफ़ेक्ट्स भी लेकर आ सकता है। अगर आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आपके हेल्थ प्रैक्टिशनर को पूछने के बाद ही आप सॉल्ट वाटर का बाथ लीजिए। ओके, सॉल्ट वाटर मतलब वहाँ पर आप दरिया का जो नमक है उससे आप स्नान कर सकते हैं, या फिर एप्सम सॉल्ट है, या फिर हिमालयन सॉल्ट। ओके, वो आप अपने पानी में डाल सकते हैं, या हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। ओके, और अगर इतना ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं तो आप महीने में 2 बार कर सकते हैं, पूनम के दिन और अमावस के दिन। ओके, आप सॉल्ट वाटर का बाथ ले स्नान कर सकते हैं, जिससे आपके भीतर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग फेब्रुवरी के महीने के लिए। चलिए देखते हैं मार्च का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। मार्च का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं? देखो, वापस लाइफ पार्टनर के लिए कितना अच्छा कार्ड आया है। कहीं ना कहीं सी दिस इज़ लाइक लव लाइफ के लिए बता रहा है कुछ ना कुछ, कि मार्च के लिए भी बहुत अच्छा समय है कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा समय बिता पाएंगे इस महीने। दैट इज़ एक्चुअली वेरी गुड। एक और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दो कार्ड्स हैं कि ये दिखाते हैं किसी तरह की जीत आपको हासिल होगी। अब इट डिपेंड्स कितनी बड़ी जीत आपको हासिल हो, कि आपने कितने कर्म किए हैं वैसे, कि जिसकी बड़ी जीत मिल सकती है। अगर ये वीडियो आप महीने की शुरुआत में देख रहे हैं तो कुछ ऐसा कर्म करना शुरू कीजिए कि जिसमें आपको जीत चाहिए, जिसकी जीत आपको अवश्य मिलेगी इस महीने में। ओके, अब डेफिनेटली इट डिपेंड्स कि वो कर्म कैसा है। अगर 5 साल में कंप्लीट होने वाला प्रोजेक्ट है तो डेफिनेटली उसकी जीत आपको इस महीने में नहीं मिल सकेगी। ओके, लेकिन हाँ, जिस छोटा जो छोटे हाँ कहते हैं ना, शॉर्ट टाइम वाला प्रोजेक्ट है, जब वो आप करते हैं तो उसमें आपको जीत अवश्य मिलेगी। और आपको देखो, अगर आप जीतते हैं किसी चीज़ में, तो एक जितनी बड़ी आपकी जीत है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी वो लेकर आती है। तो हाँ, वो बात ज़रूर याद रखिए। ये कार्ड कहता है कि
किसी तरह का एबंडेंस, किसी तरह की एबंडेंस आपके जीवन में आएगी। अब यहाँ पर पैसे नहीं दिखाए गए हैं, तो जीवन निर्वाह करने के लिए जितनी चीजें होती हैं वो सारी चीजें हो सकता है कि एबंडेंस में आपके पास है इस महीने में, और अगर नहीं है तो आएंगी। ओके, ये एक बात याद रखिए। कुछ ऐसा इस महीने हो सकता है कि जहाँ पर आपको, हाँ, सावधानी बरतनी पड़ जाए, कॉशन इज वॉरंटेड, सावधानी रखना है। अगर कुछ कोई परिस्थिति आती है जहाँ पर आपको पता नहीं है कि उसमें क्या करना चाहिए, तो अच्छी तरह से गहराई पूर्वक छानबीन किए बिना उसमें आगे नहीं बढ़ना है। ओके, ये कार्ड कहता है कि आप, अगर आप इस महीने काफ़ी मेहनत, काफ़ी ज़्यादा प्रेयर और मेडिटेशन करेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल के एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि अच्छा, आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो आप यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं कि आप आप अपने हाथों में क्वार्ट्ज का क्रिस्टल ले सकते हैं, लेफ्ट हैंड में उसको रखिए, राइट हैंड से उसको कवर कर दीजिए, और आप मेडिटेशन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए। ओके, कि आप जो भी आप जीवन में हासिल करना चाहते हैं उस चीज़ का विजुअलाइजेशन कीजिए, और वो चीज़ बहुत अच्छी तरह से मैनिफेस्ट हो जाएगी आपकी लाइफ में। ओके, एक ये बात और बता रहा है ये कार्ड कि पैसे इस महीने कम होने वाले हैं। मैंने बताया एबंडेंस रहेगा, मतलब जो चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ती है, दिन ब दिन इस्तेमाल करने की चीज़ें, उसकी आवश्यकता पड़ती है, वो पर्याप्त आपको मिल जाएंगी। लेकिन पैसे जो हर रोज़ आप यूज़ करते हैं, शायद वो लिमिटेड रहेंगे। इसीलिए अच्छी तरह से सोच समझ कर इस्तेमाल करें, खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर उसको खर्च नहीं करना है। ओके, तो ये था आपके लिए मार्च महीने का रीडिंग। चलिए देखते हैं अप्रैल का महीना क्या लेकर आ रहा है आपके प्रति। इस कार्ड को देखकर लगता है आपका पार्टनर के साथ बहुत अच्छा समय आप बिता पाएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई लाइफ पार्टनर जैसा कोई मिले, बहुत अच्छा कोई व्यक्ति मिले, ऐसा भी हो सकता है। किसी के साथ आप डेटिंग करना शुरू कर सकते हैं इस महीने। ओके, तो जी हाँ, सी अब वापस काफ़ी लोग कहते हैं कि अच्छा, हमको तो ऐसा कोई नहीं मिला इस महीने, तो आपको प्रयास करने पड़ेंगे। अगर आप घर से बाहर कभी नहीं निकलते हैं तो घर से बाहर निकलना शुरू कीजिए इस महीने, ताकि आप किसी नए व्यक्ति को मिल पाएं। काफ़ी लोग इसके हिसाब से मतलब काम नहीं करते हैं। अगर लाइफ पार्टनर चाहिए तो आपको प्रयास भी करने हैं लोगों को मिलने का। अगर लोगों को मिलते ही नहीं है तो कैसे कोई आएगा आपकी लाइफ में। ओके, चलिए अब यहाँ पर अप्रैल के महीने में आपके साथ हो सकता है, क्या हो सकता है वो देखते हैं। अप्रैल के महीने में किसी तरह की कोई जीत आपको मिलेगी कि जो यहाँ पर दिखाया गया है, और छोटी जीत हो सकती है, बड़ी जीत हो सकती है, लेकिन काम जारी रखना है। देखो, ये कार्ड क्लियरली बता रहा है, जो भी काम कर रहे हैं उसको जारी रखना है, उसे बंद मत कीजिए। कई बार लोगों को जब बताया जाता है जीतोगे, अरे भाई ख़त्म, मतलब बैठ कर सेलिब्रेट करना शुरू कर देंगे। ओके, सेलिब्रेट भी करना है, काम भी करना है। ये कार्ड कहता है यस, दिस टाइमिंग इज़ राइट फॉर दिस न्यू वेंचर। कहीं ना कहीं कुछ नई शुरुआत आप कर सकते हैं इस महीने, कि जो ये कार्ड भी बता रहा है कि कुछ नया आपको स्टेप लेने की इच्छा होगी, कि जो आपको करना चाहिए। और ये कार्ड बताता है कि यहाँ पर ये जो कार्ड है ये बताता है कि आप किसी तरह से, आपकी आपकी जो लव लाइफ है उसके लिए बहुत अच्छा समय है। नया लाइफ पार्टनर आपको मिल सकता है, या तो आपकी शादी हो सकती है, या तो आपकी मंगनी हो सकती है, या तो आपने प्रपोज किया और वहाँ कर सकते हैं। ये समय है आपका, आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, मुझे पता है मंगनी और एंगेजमेंट एक ही बात है, या लेकिन हाँ, रोमांस के लिए बहुत अच्छा समय है अप्रैल में भी। सी, ये पूरा साल कितना ज़्यादा अच्छा है आपकी लव लाइफ के लिए। समहाउ इतने ज़्यादा लव लाइफ के कार्ड्स आ रहे हैं हर रीडिंग में, ऑलमोस्ट हर रीडिंग में, जो ये बताता है कि सी लाइफ में, जैसे मैंने कहा, हर बार अगर कुछ नेगेटिव होता है तो कुछ पॉजिटिव अवश्य होता है किसी दूसरे क्षेत्र में, जो यहाँ पर आपके लिए लव लाइफ में है इस साल। ये कार्ड बता रहा है कि आपको अपनी जो एनर्जी है, आपको अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करना है। अब आपको, या यहाँ पर एक उपाय आपको बताऊँ, कुदरती वातावरण, जैसे कि आपका घर का जो गार्डन है उसमें आप जा सकते हैं, घर का गार्डन या फिर दरिया किनारे,
किसी पब्लिक गार्डन में जा सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं जो भी बताती हूँ आपको, अभी मुझे पता है कि अभी हाल में क्या परिस्थिति चल रही है, तो अगर आपके लिए बाहर जाना सुरक्षित है तभी जाइए, ओके। कहीं बाहर कुदरती वातावरण में जाइए और वहाँ पर बैठकर आप मेडिटेट कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। कुदरत में एक पावर है और जब कुदरत में जाकर आप मेडिटेशन करते हैं तो वो पावर आपके साथ काम करता है, ओके। ये कार्ड बताता है कि काफ़ी एंजाइटी रह सकती है आपको इस महीने, के जिसको अगर आपको एंजाइटी से ऊपर उठना है तो आपको प्रेयर का सहारा लेना है। जब भी डर लगता है प्रेयर करो, डर लगता है प्रेयर करो, ओके। यही उपाय है उसका। अब ज़्यादातर लोगों को लगता है उपाय बहुत सरल होने चाहिए, तो सरल ही तो है भाई, प्रेयर तो कभी भी कर सकते हैं, कभी कहीं भी कर सकते हैं, उसमें कहाँ मैंने कुछ मुश्किल बता दिया आपको। कहीं हर बार मंदिर नहीं जाना है जब डर लगता है, तब घर पे बैठकर सोते सोते, जागते जागते, घूमते फिरते आप प्रेयर कर सकते हैं, ओके। कि जो आपके ऊपर बहुत ही अच्छा असर करेगा अगर आप प्रेयर करते हैं तो, ये महीना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बीत सकता है, ओके। तो ये था आपके लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है उसके लिए। तो जी हाँ, तो आशा करती हूँ कि ये आप फॉलो करेंगे, जितना फॉलो करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और उसी के साथ चलिए अब देखते हैं माँ मई का महीना क्या आपके लिए बताना चाहता है, ओके। तो यहाँ पर देखते हैं, ये जो दोनों कार्ड्स हैं कुछ बच्चों के रिलेटेड कुछ यहाँ पर बताया गया है। अगर आपके आसपास बच्चे हैं तो हो सकता है आपको उनकी टेंशन हो जाए, अगर आपके नहीं हैं, आपकी फैमिली में किसी के बच्चे हैं फिर भी आपको उनकी टेंशन हो सकती है। कार्ड्स बताते हैं कि आपको एंजल्स को सौंप देना है, अगर आपको टेंशन होती है तो एंजल्स को बोलना है कि आपका बच्चों का ख्याल रखे। एक बात आपको बताऊं, काफ़ी लोगों को लगता है कि एंजल्स को बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोला है, फिर बच्चों को अगर आप वापस देखने को नहीं चाहोगे तो चलेगा। देखो ऐसे ये सब नहीं करना है, बच्चों का ख्याल रखने के लिए एंजल्स को बोला है, मतलब अगर वो एंजल्स एनर्जेटिकली बच्चों का ख्याल रखेंगे, भौतिक रूप पर अगर बच्चों के ऊपर आपकी नज़र अवश्य आपको बनाए रखनी है, ओके। ये कार्ड कहते हैं द हीलिंग एंजल इज़ विथ यू सपोर्टिंग योर हीलिंग वर्क। कहीं ना कहीं इस महीने किसी तरह का हीलिंग, आपके शरीर को किसी तरह की हीलिंग की आवश्यकता पड़ सकती है कि जो है, और हीलिंग की अगर ज़रूरत पड़े तो डेफिनेटली आपको हेल्थ प्रैक्टिशनर की सहायता लेनी है। और जी हाँ, एक और बात है, जैसे मैंने कहा कि शरीर को संभालना बहुत ज़रूरी है इस महीने, उसका ध्यान रखिए। पैसे आपके पास रहेंगे, ओके, पैसे आपके पास अवश्य रहेंगे इस महीने, लेकिन संभाल कर यूज़ करो, ओके, गलत तरह से उड़ाने नहीं है। ये कार्ड कहता है कि आपको किसी तरह से अपने अंदर की यिन और यांग एनर्जी को बैलेंस करना है, में नेगेटिव पॉजिटिव को बैलेंस करना है। वो आप कैसे बैलेंस करेंगे इस कार्ड के हिसाब से आपको, अब यू नो यहाँ पर ये टेक्निक मैं बता रही हूँ उसमें क्रिस्टल्स, काफ़ी मैंने टेक्निक्स बताई हैं कि जिसमें क्रिस्टल्स के बारे में मैंने बताया है। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप क्रिस्टल्स नहीं लेना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप लेकर करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ये कार्ड कहता है कि एमेथिस्ट या फिर ये क्वार्ट्स, क्लियर क्वार्ट्स जैसे मैंने आपको दिखाया पहले, एमेथिस्ट या क्लियर क्वार्ट्स क्रिस्टल, क्वार्ट्स मतलब स्फटिक मणि, उसको आपको सहस्रार चक्र पर रखकर 10 मिनट्स मेडिटेशन करना है इस महीने, ओके। जब आप वो करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स उसके मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपके लिए एक उपाय। ये इसके आप एक और एक चीज़ कर सकते हैं कि आप अपने अपने लेफ्ट हैंड में आप एक कोई गर्म वाला पत्थर आप चूज कीजिए, और राइट हैंड में, ओके, लेफ्ट हैंड में ठंडा वाला स्टोन, राइट हैंड में गर्म वाला स्टोन। मैं सारे स्टोन्स के नाम नीचे रख दूंगी ताकि आप अपने हिसाब से स्टोन चुन पाए। तो आप ले लीजिए और फिर सिर पर भी वो स्टोन रखना है, एमेथिस्ट का स्टोन रखना है, फिर मेडिटेशन कीजिए, ओके। तो आपके भीतर जो कन्फ्यूजन है, जो नेगेटिविटी है, जो आप काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं, वो आप दूर कर पाएंगे, और आपके शरीर के हीलिंग के लिए भी वो बहुत अच्छा इफेक्ट करेगा। देखो हीलिंग की बात यहाँ पर आई है, काफ़ी लोगों को लगता है अच्छा ऐसा करेंगे मतलब डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है, ओके। जो यहाँ पर टेक्निक बताई गई है, आपके हेल्थ प्रैक्टिशनर ने जो बोला है उसके साथ साथ ये चीज़ करना है,
कहीं पर भी इस रीडिंग में मैं ये नहीं बता रही हूँ कि आपको हेल्थ प्रैक्टिशनर की बात नहीं सुननी है, आपको दवाई नहीं ली है, ऐसा कहीं पर भी नहीं बता रही हूँ मैं, ओके? तो क्लियरली इस बात को ध्यान में रखिए, अगर आप किसी तरह के मन मन के वहम में रह जाते हैं तो आप शायद अपना ही नुकसान करेंगे, ओके? ये कार्ड कहता है कि कुछ ना कुछ आपको सीखना ज़रूरी है, या तो सिखाना ज़रूरी है किसी को, ओके? कि जो आप किसी को किसी तरह की क्लासेस में आप सिखा पाएंगे, वर्कशॉप्स या सेमिनार्स में आप सिखा पाएंगे, ओके? तो ये था आपके लिए रीडिंग मई महीने के लिए। और जैसे मैंने कहा, हीलिंग के ऊपर ध्यान रखिए, आर्कएंजल राफेल को पुकारिए कि किस तरह से आपका हीलिंग आप कर सकते हैं। आर्कएंजल राफेल के लिए नीचे मैं लिंक रख दूँगी, कैसे उनको पुकारना है, किस तरह से वो मदद करेंगे, सब कुछ वहाँ पर बताया गया है, ठीक है? यहाँ पर देखते हैं सैजिटेरियस के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं ताकि आपकी जो लाइफ है आप बैलेंस में रख पाए, ओके? देखो, सबसे पहले यहाँ पर इस महीने के लिए कुछ बताया गया है आपके 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 बोल के लिए, ओके? आपके वचन वचन की जो शक्ति है उसके लिए कहीं पर भी आपको नेगेटिव बोल नहीं बोलने हैं, नेगेटिव बोल नहीं बोलने हैं, सिर्फ पॉजिटिव शब्द का यूज़ करना है। जब आपको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा, हद से ज़्यादा आप कुछ बुरा बोल देंगे, तब उस परिस्थिति से दूर हो जाइए, उस व्यक्ति से दूर हो जाइए, ओके? किसी का दिल को बहुत बुरी तरह से तोड़ने से तो बेहतर है कि आप उस परिस्थिति में थोड़ा साइड पे हो जाइए, फिर ठंडे दिमाग से सोचिए कि वहाँ पर क्या करना ज़रूरी है, ओके? और अगर वहाँ पर आपको सॉल्व करने जैसा ना लगे, कुछ भी आपको लगे कि आप वो उस परिस्थिति को सुधार नहीं सकते हैं, तो ये कार्ड यहाँ पर बताता है कि उस व्यक्ति के साथ, अगर वो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, काफ़ी ज़्यादा आपका आपकी जो एनर्जी है उसे डाउन कर देते हैं, तो उस व्यक्ति के साथ कॉर्ड कट करना ही श्रेष्ठ है। अब कैसे कॉर्ड कटिंग करना है, अब ये प्रोसेस हम एंजल थेरेपी का जो प्रोग्राम होता है उसमें सिखाते हैं, लेकिन डेफिनेटली यू नो यहाँ पर आपको लग सकता है कि भाई कॉर्ड कटिंग कैसे करना है, हमको प्रोग्राम नहीं करना है, तो पूरी प्रोसेस अगर आपको ना समझाऊँ, बिकॉज वो प्रोसेस समझाने जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा ये वीडियो हो सकता है। आपको आर्कएंजल माइकल को प्रेयर करना है। कैसे प्रेयर करना है, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ मेरी मदद करो, ख़त्म। दिस इज़ द सिंपलेस्ट प्रेयर, ओके? पता नहीं लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, उनको लगता है कोई अलग सी भाषा में बात करेंगे तब जाकर आर्कएंजल माइकल मदद करेंगे, ऐसे लोग हमेशा के लिए रह जाते हैं, ओके? एंड एनी ओल्ड अटैचमेंट्स टू फियर दैट स्टेम फ्रॉम पास्ट रिलेशनशिप्स। तो अगर आपके रिश्तों में कुछ ऐसे रिश्ते हैं कि जो आपको नेगेटिवली डाउन कर देते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट करते हैं लोग, आपको पता है कि अगर वो आपके पास भी नहीं है तो भी आपके बारे में नेगेटिवली सोचते हैं, उनके साथ आपको कॉर्ड कटिंग करना है, आपको आर्कएंजल माइकल को पुकारना है। जैसे अभी मैंने कहा, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, ऐसा कहेंगे तो आर्कएंजल माइकल आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद उनको बताना है कि इस व्यक्ति के साथ मेरे कॉर्ड्स कट कर दीजिए। अगर आपको नहीं पता है कौन कौन से लोग आपके लिए बुरा सोचते हैं, तो उनसे कहिए, माइकल एंजल से कहिए कि जितने भी लोग आपके लिए बुरा सोचते हैं, आपके तरफ नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं, उनके साथ आपका जो कॉर्ड है वो कट कर दे, ओके? तो वो चीज़ हो जाएगी वहाँ पर, ठीक है? तो जब भी आपको काफ़ी नेगेटिव लगता है तब आप ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कार्ड बताता है किसी तरह की साइकिल, किसी तरह का चक्र इस महीने ख़त्म हो रहा है, किसी तरह का चक्र इस महीने पूर्ण हो रहा है और कुछ नई शुरुआत हो सकती है। इसीलिए जब भी कुछ पुराना ख़त्म होता है तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आपको महसूस हो सकती है, लेकिन वो कुछ ही समय के लिए महसूस होगी, इसीलिए टेंशन नहीं लेना है। और खुशियाँ आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आने वाली है जो ये कार्ड कहता है, इसीलिए आशा की किरण बनाए रखें, ओके? वापस ये कार्ड कहता है किसी तरह का हीलिंग की आवश्यकता पड़ सकती है, आपको हेल्थ वाइज कुछ इफेक्ट कर सकता है जिसका आपको ख्याल रखना है। आराम अगर करना ज़रूरी लगे तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर ये कार्ड वापस आपको बताता है पैसे खर्च करने का समय नहीं है, पैसे इन्वेस्ट करने का समय है, और अगर इन्वेस्टेड है तो उसे इन्वेस्टेड ही रहने दीजिए, ओके? उसको पकने की प्रतीक्षा कीजिए, अभी ज़्यादा बीच में से मत उठा लीजिए, ओके? वो एक बात है। यहाँ पर जैसे मैंने कहा, नेगेटिव शब्द, काफ़ी तीक्ष्ण शब्द आप
शब्दों का प्रहार आप कर सकते हैं अपने प्रियजनों पर, वो नहीं करना है, ठीक है। तो या ये सारी बातों का ध्यान रखिए जून महीने में। चलिए देखते हैं जुलाई का महीना क्या लेकर आ सकता है आपके प्रति और आपको क्या करना चाहिए ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं इस महीने, ठीक है। तो चलिए इस महीने आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। ओके, इस महीने कुछ पैसे आ सकते हैं। ओके, जैसे मैंने कहा कुछ पैसे आ सकते हैं, लेकिन सोच समझ कर उस पैसे का इस्तेमाल करना है, और इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है तो मत कीजिए। अगर उसे कहीं पर इन्वेस्ट करना पड़ जाए तो इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए। ओके, जो ये कार्ड बता रहा है, इन्वेस्ट अगर करना पड़े तो कीजिए। कुछ छोटे मोटे खर्च करने पड़ सकते हैं कि जो आप कर सकते हैं। ओके, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी भी आएगी इस महीने की, जो ये कार्ड बता रहा है कि दैट इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग। काफ़ी ज़्यादा समय से मैंने आपको बताया कि कुछ नेगेटिव फील करेंगे, लेकिन इस महीने आप पॉजिटिव फील करेंगे कि जो अच्छी बात है। और वापस देखो कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको आपको ज़रूरी है कि आपके लिए ज़रूरी है कि जो आप महसूस करते हैं, आप अंदर से जैसे हैं वैसे ही बाहर की दुनिया के साथ भी आप बर्ताव करें। ये काफ़ी लोगों को ये अपने अपने लिए काफ़ी गलत फहमी होती है कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं। तो जिसको भी ऐसा लगता है, देखो अच्छे अच्छी सोच अगर आप रखते हैं, अच्छे विचार आप रखते हैं, अच्छी भावना रखते हैं, सिर्फ वहीं पर अच्छी इंसानियत तय नहीं होती है, आपको अच्छा बर्ताव भी करना है, अच्छे कर्म भी करने हैं। अगर आप सोच अच्छी रखते हैं, दिल से अच्छे हैं, लेकिन अच्छे कर्म नहीं करते, देन यू आर अ फेलियर। उसको उस तरह का व्यवहार नहीं करना है। ओके, इसीलिए जैसे आप हैं, अलाइन योर एक्शंस सो दैट दे मैच योर वैल्यूज़। आपकी वैल्यूज़ मतलब आप जो बिलीव करते हैं, आपकी जो मान्यताएं हैं कि ये गलत है ये सही है, उसके हिसाब से आपको अपनी जो कर्म है उसके हिसाब से आपको कार्य करने हैं। ओके, एंड इनर नोइंगनेस ऑफ व्हाट्स राइट फॉर यू। अगर आपको पता है कि कुछ आपके लिए सही है तो वही कीजिए, अगर आपको पता है कि आपके लिए क्या गलत है तो उस चीज़ को मत कीजिए। उसी के साथ साथ गलत आप जो भी जैसे बात करते हैं लोगों के साथ, अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि कैसे लोगों को बात करना चाहिए, कैसे दूसरों को कन्विंस करना चाहिए, तो वहाँ पर आप एसेंडेड मास्टर्स की मदद ले सकते हैं। एसेंडेड मास्टर्स मतलब जीसस, कृष्णा, बुद्धा, कोई भी मास्टर। ओके, कि जिसको प्रेयर करके आप उनको बोल सकते हैं कि वो आपकी मदद करें लाइफ में, कहीं पर भी जहाँ पर मुश्किल लगती है वहाँ पर उनकी आप मदद अवश्य लें। अब यहाँ पर ये एक कार्ड है कि जो बताता है कि आपको सोच समझ कर आपको कुछ भी कार्य करना है, कुछ भी कर्म करना है। पैसे भी है तो उसे सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिए, काफ़ी जीवन में पॉजिटिविटी आ सकती है। ये दो कार्ड देखते हैं कि क्या बताना चाहते हैं। व्हाट डू यू डिज़ायर राइट नाउ, विजुअलाइज इट। तो विजुअलाइजेशन करने से आपकी आपका विजुअलाइजेशन सही होगा, जो आपको चाहिए वो मिलेगा। यू आर अ स्पिरिचुअल टीचर, यू हैव द एबिलिटी टू काउंसल अदर्स एंड हेल्प देम अवेकन देयर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड डिवाइन लाइफ मिशन। तो जी हाँ, या तो आपको कोई स्पिरिचुअल टीचर खुद को आपको ढूंढना है, उसके पास कुछ सीखना है, या फिर आपको कुछ ना कुछ दूसरों को सिखाना है। ओके, हो सकता है कि स्पिरिचुअल हो सकता है, या फिर आपका जो पर्पस है उसके हिसाब से कुछ सिखा सकते हैं आप। देखिए, इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर लाइफ पर्पस वाली बात है तो हर एक व्यक्ति का पर्पस कुछ स्पिरिचुअल ही है। डॉक्टर का पर्पस है कि उसको मरीज को हील करना है। ओके, वो डॉक्टर का पर्पस हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हील करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्दी बनाना है, वो डॉक्टर का पर्पस हो गया। फिर सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट, उसका पर्पस क्या हो सकता है, लोगों को अच्छे क्वालिटी के घर बनाकर देने हैं कि जो उनको अच्छे से सुरक्षित रख सके। ओके, वो पर्पस हो गया सिविल इंजीनियर का। फिर अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसमें आपका क्या पर्पस हो सकता है, आपका कोई फूड का बिजनेस है, होटल का बिजनेस है, तो लोगों को हेल्दी से हेल्दी खाना खिलाना है ताकि लोग अपनी मतलब ताकि लोगों का पेट भी भर सके और उनकी हेल्थ भी अच्छी रहे। बाकी मुझे तो पता है आजकल तो कैसे कैसे लोग बिजनेस करते हैं, मतलब लोगों के अपने कस्टमर के लिए किसी तरह की अच्छाई है ही नहीं उस बिजनेस में। ओके, कई होटल्स होते हैं कि जो मतलब इतना अनहेल्दी खाना देते हैं, पता नहीं कितने कितने दिनों का बासी खाना पड़ा रहता है उनके उनके फ्रिज में, और ऐसा ही खाना अपने अपने कस्टमर्स को देते हैं। फिर कहते हैं नहीं नहीं अभी अभी बनाया है, गरम करके दे देते हैं। ओके, तो वो सही पर्पस नहीं हुआ। पर्पस मतलब जहाँ पर आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं,
और उसी तरह से आप अपना, हाँ, आप अच्छा कर्म करके अच्छा व्यवहार करते हैं वहां पर आपका पर्पस पूर्ण होता है, अगर गलत कर्म करते हैं तो आपका पर्पस पूर्ण नहीं होता है। ओके, चलिए देखते हैं अगस्त के महीने में आपके साथ क्या हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए। पहले तो अगस्त के महीने में आपकी लाइट वर्कर की एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुली आपके साथ काम करेगी, और यिन और यांग आपको अपनी मेल और फीमेल एनर्जीज को बैलेंस में रखना है। वापस वही वाला आप प्रोसेस कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड में ठंडा वाला स्टोन जैसे कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, सेलेस्टाइट का क्रिस्टल है, वो ले सकते हैं। और राइट हैंड में आप राइट हैंड में कोई और तरह का स्टोन ले सकते हैं, जैसे कि ब्लैक टूरमलिन है, रेड जैस्पर है, वो ले सकते हैं। और मेडिटेशन कीजिए 10 मिनट सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, जिससे आपकी मेल और फीमेल एनर्जी बैलेंस में रहेगी। और यहाँ पर एक और प्रोसेस है, देखो यहाँ पर इस महीने में तीन बातें बताई गई हैं कि जो थोड़ी बहुत नेगेटिव है, ओके, कि जो थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आपके जीवन में दिखा सकता है। पहले तो बहुत कुछ बुरा हो सकता है, कुछ बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो सकता है कि जो आपने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था, और कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपके ऊपर आ सकता है, बहुत ज़्यादा टेंशन आप ले सकते हैं जो आपकी सेहत के ऊपर भी असर कर सकता है। इसीलिए ये कार्ड बताता है ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ज़्यादा अगर आपके ऊपर काम का बोझा आ जाए तो दूसरों को काम बांट दीजिए थोड़ा सा। और एडिक्शंस, किसी भी तरह का व्यसन अगर आपको है तो उसे पीछा छुड़ाना है, बिकॉज वो आपके लिए अच्छा नहीं साबित होगा इस महीने। और ये जो कार्ड ये कहता है, फैमिली के साथ इमोशनली बहुत ही अच्छा समय, फैमिली के साथ, किसी के साथ भी, ओके, रिश्तों के साथ बहुत ही अच्छा समय आप बिता पाएंगे इस महीने। ये दो कार्ड्स हैं कि जो बताते हैं कि आपको इस महीने, मतलब एंजल्स की एनर्जी, एनिमल्स की एनर्जी, पशुओं की एनर्जी किसी ना किसी तरह से आपके साथ बहुत अच्छा इफेक्ट करेगी। मतलब देखो, जब भी कुछ नेगेटिव आता है तब कुछ ना कुछ पॉजिटिव उपाय कार्ड्स बता ही रहे हैं, ओके, कार्ड्स दे ही रहे हैं। तो उपाय में यहाँ पर क्या है कि किसी भी पशु के साथ जाकर आप बैठकर समय बिताते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। अब ये आपके पेट हो गए या फिर ये रास्ते पर घूमते हुए जानवर हो गए, जैसे स्ट्रीट डॉग है, रास्ते पर कहीं पर घूमती हुई गाय है या कुछ भी है, उनको, उनके साथ आप जाकर थोड़ा समय बिताइए, उनको खाना खिलाइए, उनके साथ खेलिए। अब डेफिनेटली यहाँ पर ऐसे ही जानवरों के साथ खेलना है कि जो सुरक्षित है। कई लोग पता नहीं शेर के पास चले जाएंगे, और मतलब अच्छे जानवर जो वॉयलेंट क्रीचर्स हैं, ऐसे ऐसे जानवर के पास जाएंगे, फिर अगर उनको नुकसान होता है तो फिर आकर कंप्लेन करेंगे, देखो आपने जानवर के पास जाने को बोला, उन्होंने क्या कर दिया ये देखो। तो अच्छे जो सुरक्षित जानवर हैं, ऐसे जानवरों के पास जाना है। तो फिर देखो ये कार्ड यहाँ पर बताता है कि हाँ, देखो जैसे मैंने कहा, कुछ टेंशन वाली परिस्थिति हो सकती है, और इसीलिए अगर आप, जैसे मैंने कहा, कुछ उपाय करेंगे, कुछ पॉजिटिव उपाय करेंगे, यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि आप क्वार्ट्ज का क्रिस्टल अपने लेफ्ट हैंड में रखिए, उसके ऊपर राइट हैंड से कवर कर दीजिए, फिर मेडिटेशन कीजिए 10 मिनट, ओके, ये सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अगर आप ऐसा मेडिटेशन करते हैं तो आप मतलब अपने आप अपनी लाइफ को बैलेंस में कर पाएंगे, ओके। और जी हाँ, यहाँ पर काफ़ी चांसेस है कि आप काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ उठ बैठ सकते हैं, कम्युनिटी में कहीं पर किसी तरह का गैदरिंग है, शादी ब्याह हो सकता है, वहाँ पर जाना, किसी के पार्टी में जाना हो सकता है इस महीने। तो जी हाँ, ये है। और या फिर कोई सामाजिक कोई प्रसंग हो सकता है, सामाजिक प्रसंग गुजराती शब्द है, आई डोंट नो, सामाजिक कुछ हो सकता है कि जिसमें आप भाग ले सकते हैं, ओके। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग इस महीने के लिए। चलिए देखते हैं सितंबर का महीना क्या लेकर आ रहा है आपके प्रति। सितंबर का जो महीना है आपके प्रति क्या लाने की कोशिश कर रहा है, लेट अस सी। तो हाँ देखो, सितंबर के महीने में हीलिंग की बात की गई है, समहाव पता नहीं ये कार्ड किसी तरह से अगस्त में भी आई थिंक थोड़ा बहुत हीलिंग, ओके, अगस्त में इतना ज़्यादा हीलिंग के ऊपर फोकस नहीं था, लेकिन सितंबर में हीलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। देखो हीलर, आपको हील करना आवश्यक है, ओके, और अपने आप को हील करना आवश्यक है। हो सकता है कि आपके, अगर आपने अपना पर्पस ढूंढ लिया है तो दूसरों को हील करने की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन यहाँ पर दूसरों के हीलिंग की बात नहीं है, आपके खुद के हीलिंग की बात है।
बिकॉज यहाँ पर कितना ज़्यादा जोर जोर से ये कार्ड्स बता रहे हैं, ओके, कि अपने आप अपनी एनर्जी को क्लियर करना आवश्यक है, अपनी ऊर्जा को क्लियर करना, एनर्जी को साफ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर एक तो काफ़ी डिप्रेसिव फीलिंग्स हो सकते हैं, नींद आपको नहीं आ सकती है नेगेटिव विचारों की वजह से। ये दो कार्ड्स कहते हैं कि अपना हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है तो भी आपका माइंड बहुत ज़्यादा विचलित हो सकता है, इसीलिए आपके जो हेल्थ प्रैक्टिशनर ने जो बोला है उसी के साथ साथ आपको, हाँ, आपके डॉक्टर ने जो बोला है वही वो भी करना आवश्यक है, उसी के साथ साथ आपकी एनर्जी को भी क्लियर करना आवश्यक है, ओके। और एनर्जी क्लियर करने के लिए हम डेफिनेटली देखेंगे कि उपाय क्या है, लेकिन ये कार्ड कहता है कि शरीर को जितना हो सके उतना आराम देना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, मीठा खाने के ऊपर कंट्रोल करना है, ओके। और ये कार्ड, जी हाँ, ये कार्ड बताता है ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, हेल्थ के लिए डॉक्टर ने जो बताया है जैसा अनुशासन फॉलो करने को बोला है, कि जो डाइट करने को बोला है, जैसे एक्सरसाइज करने को बोला है, जैसे दवाई लेने को बोला है, सब कुछ कड़े से कड़ी तरह से आपको लेना है, आराम करने को बोला है वो भी कीजिए। देखो, यहाँ पर आई थिंक पिछले कुछ महीने से हीलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा भार दिया गया है, और इसीलिए यहाँ पर साथ साथ में कार्ड ये भी बता रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ सीखना आवश्यक है या फिर किसी को सिखाना आवश्यक है, ओके। अब यहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति को सिखाने की बात तो मुझे नहीं लग रही, बिकॉज आपका खुद का ही इतना ज़्यादा लर्निंग प्रोसेस चलेगा इस महीने। जब आप किसी भी तरह की मुश्किल से गुजरते हैं तो आपके लिए वो लर्निंग हो जाता है, ओके, आपके लिए कुछ सीखना हो जाता है उसमें, तो आपको काफ़ी फ्री समय मिल सकता है जैसे आपका लर्निंग चलेगा। देखो, लाइफ में जब मुश्किल परिस्थिति आती है और आप अगर आप हेल्थ में प्रॉब्लम्स आप भोगते हैं जहाँ पर आपके लिए आराम करना पड़ जाए हद से ज़्यादा, तो आपके लिए आपके पास काफ़ी खाली समय हो जाएगा, उस समय को पॉजिटिवली यूज़ करने की कोशिश कीजिए। ये कार्ड कहता है इट इज़ सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल, यू नो हाउ टू बी पावरफुल इन अ लविंग वे दैट बेनिफिट्स अदर्स एज वेल एज योर सेल्फ। दूसरों के लिए पॉजिटिवली आप कुछ दे सकें, उस तरह से आपको अपने पावर का यूज़ करना है। देखो, इसका ये एक और मतलब है। अगर मैंने देखा है ये बात कि काफ़ी लोग जब हेल्थ से जब पीड़ित होते हैं तब अगर वो परेशानी बहुत लंबे समय से भोग रहे हैं तो दूसरे लोगों को परेशान करना शुरू कर देते हैं, दूसरे लोगों को परेशान कर देते हैं, तो ये बात आपको नहीं करनी है, ओके। और आपको खुद के हीलिंग के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। चलिए देखते हैं अक्टूबर का महीना क्या लेकर आ रहा है आपके प्रति और आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पर भी हीलिंग के लिए बताया गया है। देखो, वापस सी, मुझे पता है कि कंटिन्यूअसली जब हीलिंग की बात आए हो सकता है कि आपको वापस इस महीने भी आराम करना पड़ जाए या ज़्यादा आराम के लिए समय देना पड़ जाए, तो काफ़ी लोगों को टेंशन हो सकती है, अरे पैसे कब कमाएंगे या फिर पता नहीं कुछ और काम कब करेंगे। हेल्थ अगर सुधारेंगे तो हर तरह के प्रॉब्लम्स भविष्य में दूर हो जाएंगे, अगर हेल्थ को नहीं सुधारेंगे तो आपको हर तरह के प्रॉब्लम्स शायद बढ़ सकते हैं, उसी के साथ आपकी हेल्थ भी आपका साथ नहीं दे सकती है, इसीलिए हेल्थ को यहाँ पर सुधारना बहुत ज़रूरी है। वो आप कैसे करेंगे, एक लैपिस लेजुली का स्टोन लेना है और ग्रीन टूरमलिन ले सकते हैं या फिर ग्रीन एवेंचुराइन ले सकते हैं, और आपको ये प्रोसेस आप लेटे लेटे कर सकते हैं अगर आपके लिए बैठना पॉसिबल नहीं है तो, और अगर आप बैठे बैठे कर सकते हैं तो आपको हृदय चक्र पर ग्रीन टूरमलिन या ग्रीन एवेंचुराइन सेलो टेप से चिपका देना है, और अपनी थर्ड आई पर ये लैपिस लजुली का स्टोन सेलो टेप से लगा देना है, अगर बैठे बैठे करते हैं तो टेप से चिपकाना है, ओके, स्किन के ऊपर टच करना चाहिए स्टोन। और आपको मेडिटेशन करना है, जब आप इस तरह से मेडिटेशन करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी अपने शरीर की तरफ आप लेकर आएंगे। लेट मी बी वेरी केयरफुल, डॉक्टर ने जो बोला है, फिटनेस ट्रेनर ने जो बोला है, हेल्थ प्रैक्टिशनर ने जो बोला है, वो सब कुछ करने के साथ साथ ये चीज़ करना है, ओके। डोंट अज्यूम कि सिर्फ ये करेंगे तो भी ठीक हो जाएंगे, आप चीज़ों को बिगाड़ सकते हैं, ओके, अपनी हेल्थ को बिगाड़ देंगे अगर आप सिर्फ यही करने जाएंगे तो। ये आपकी एनर्जी को हील करेगा, आपके हेल्थ प्रैक्टिशनर जो बोलते हैं वो आपके शरीर को हील करेगा, ओके। ये कार्ड कहता है कि ये बहुत अच्छा समय है कि आप खुद
थोड़ा टाइम आउट ले लो, थोड़ा समय ले लो और आराम के ऊपर फोकस करो। हो सकता है कि आप छुट्टी लेकर आराम के ऊपर फोकस करना पड़ जाए। ये कार्ड ये भी कहता है, यू हैव एन इम्पॉर्टेंट लाइफ पर्पज इन्वॉल्विंग कम्युनिकेशन, प्लीज डोंट अलाउ इनसिक्योरिटीज टू होल्ड यू बैक, आई विल हेल्प यू। तो आपके पर्पस के प्रति भी आप काम करना शुरू कर सकते हैं इस महीने। देखिए, जब आप हील करेंगे तो आपकी एनर्जी अच्छे से हील होगी और आप तैयार होंगे एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए अपने पर्पस के प्रति। लेकिन उसके लिए पहले हील होना आवश्यक है। ये प्रोसेस करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और आप अपनी तरफ आकर्षित कर पाओगे आपके पर्पस को। और कभी भी कुछ प्रॉब्लम होता है कि जिसको आप समझ नहीं पाते हैं इस महीने के दौरान, तो आर्कएंजल माइकल को बुलाइए और उनसे कहिए कि उस प्रॉब्लम के साथ डील करने में आपकी मदद करें। इस महीने बहुत ज़्यादा आप वो सारी चीज़ें आकर्षित करेंगे कि जो आपके मन में चल रही है। ओके, इसीलिए अपने मन को जितना हो सके उतना स्टेडी रखिए, अपने मन को जितना हो सके उतना स्थिर रखिए और पॉजिटिव रखिए। ओके, और हर समय मतलब माइंड को बिल्कुल पॉजिटिव रखना है और हाँ, उस तरह से अपना माइंडसेट रखना है। तो ये था अक्टूबर के महीने के लिए आपका रीडिंग। ओके, मैंने जैसे कहा ये स्टोन्स आपको ऐसे लगाने हैं, टेप लगाने हैं, उसके बाद आपको 10 मिनट मेडिटेशन करना है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। और जी हाँ, चलिए अब देखते हैं नवंबर का महीना आपके प्रति क्या लेकर आ रहा है और आपको क्या करना चाहिए इस महीने ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं इस महीने के द्वारा। ओके, सबसे पहले ये कार्ड बताता है कि किसी तरह का हार्ट ब्रेक है, कोई आपका दिल तोड़ सकता है, किसी तरह से आपका दिल टूट सकता है इस महीने के जो है। लेकिन यहाँ पर ये दो कार्ड्स और भी है कि जो बहुत अच्छा रिलेशनशिप बताते हैं लाइफ पार्टनर के साथ, या फिर आपको कोई नया व्यक्ति मिल सकता है जिसके साथ कोई नया रिश्ता शुरू हो सकता है। अगर आपके पास ऑलरेडी पार्टनर है तो उनके साथ का रिश्ता और गहरा हो सकता है, जिसके चांसेस है। वापस बताऊं, अगर आप पार्टनर के साथ कहीं घूमने नहीं जाते हैं, उनको समय नहीं देते हैं, तो ये चीज़ नहीं होगी। समय देना आवश्यक है। ओके, उसके बाद चलिए देखते हैं, ये दो कार्ड्स है कि जो कहते हैं कि आपका जो एनिमल एनिमल एक एनिमल स्पिरिट गाइड करके एक होता है, पावर एनिमल करके एक गाइड होता है आपके साथ, कि जो हर बार आपकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। ओके, जो जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपका एनिमल गाइड आपको जवाब देगा। जब भी आपको प्रॉब्लम होती है नवंबर के महीने के दौरान, अपने एनिमल गाइड को बुलाइए। अब आप कहेंगे अच्छा कौन सा एनिमल है मेरा गाइड, ज़्यादा सोचिए नहीं, एनिमल गाइड, पावर एनिमल गाइड, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए इस प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए। इस प्रेयर को 3 बार रिपीट कीजिए, फिर सो जाइए। सुबह आपको जो जो सपने याद है, जो भी याद है आपको, कुछ भी माइंड में आता है, उसे लिख दीजिए। ओके, जो आपका सल्यूशन बनकर आपके लिए आएगा। ये कार्ड कहता है आई एम द एंजल ऑफ फैमिलीज। ओके, ये कुछ बता रहा है कि आपके फैमिली में कोई अच्छा सा कोई नया व्यक्ति आ सकता है, मतलब कोई आपके फैमिली में कोई नया व्यक्ति आ सकता है, किसी का रिश्ता पक्का हो सकता है, या फिर किसी का कंसीविंग हो सकता है, कोई बच्चा, कोई प्रेग्नेंट हो सकता है, किसी को बच्चा हो सकता है इस महीने। तो जी हाँ, ये भी हो सकता है, या फिर बच्चे पैदा करने वाली जो प्रोसेस है वो सफल हो सकती है इस महीने। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग इस नवंबर महीने के लिए। चलिए देखते हैं दिसंबर का महीना आपके तरफ क्या लेकर आ रहा है और आप इस महीने क्या कर सकते हैं ताकि आपका जीवन आप संतुलित रख पाएं। ओके, तो दिसंबर के महीने में देखते हैं, यहाँ पर एक तो स्टॉर्म तूफान के बारे में बताया गया है कि कोई तूफान आ सकता है इस महीने। अब इस महीने जो तूफान आ सकता है उसके लिए कुछ ज्यादा देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। देखो, तूफान आ सकता है या फिर आप काफी ज्यादा व्यस्त हो सकते हैं, काफी बिजी हो सकते हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं कि आपको मतलब आराम करने का भी समय ना मिले, सांस लेने का भी समय ना मिले, ऐसा हो सकता है इस महीने। एक तरह से वापस ये कार्ड आपको हीलिंग की बात बता रहा है। अभी भी थोड़ा हीलिंग बाकी रह सकता है, कि जो आपको अभी भी हील होना बाकी है वो दिखा सकता है। ये तो कार्ड्स दिखाते हैं कि आपके आपके पास काफ़ी पैसे रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा पैसे, नॉट काफ़ी ज़्यादा, फैमिली में पैसे रहेंगे कि जो आपको सबके साथ बांटने हैं, खुद सारे नहीं खाने हैं, फैमिली के लोगों के साथ बांटने हैं। ओके, डोंट गेट ऑफेंडेड, कुछ बातें मुझे जैसी लग रही है वैसी ही वैसी की वैसी बताना आवश्यक है। ओके,
अगली बात यहाँ पर हम करते हैं, तो ये तीन कार्ड्स है। देखो यहाँ पर दो कार्ड्स हैं कि जो बताते हैं कि आपको दिल की सुनना है, आपका दिल जो कहता है उसकी सुनना है। आपका दिल आपको कुछ कहेगा कि हाँ भाई ऐसा करो ऐसा मत करो, तो वो बिल्कुल फिक्स्ड होकर बिल्कुल पक्के तौर पर आपको फॉलो करना है। अब आप कहेंगे वो मुझे कैसे पता चले कि मेरा दिल क्या कह रहा है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जो ज़रूर आप देखकर अपने मन में स्पष्टता ला सकते हैं। ये कार्ड बताता है यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ हार्म, हर तरह के नुकसान से आपको प्रोटेक्ट किया गया है, आप सुरक्षित हैं और आपको मतलब शांति से आप शांतिपूर्वक रह सकते हैं, आप अच्छी आप आह ले सकते हैं, अच्छी आप एक तरह से मतलब सांस में सांस भर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि आप सुरक्षित हैं। ओके ये कार्ड बताता है टेक एक्शन, यू आर इन टच विथ योर ट्रुथ इन दिस सिचुएशन, यू नीड टू ट्रस्ट योर गट। देखो तीन कार्ड्स, दो कार्ड्स नहीं, तीन कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको अपने दिल की आवाज़ सुनना है, आपकी गट फीलिंग की सुनना है। देखो इसके लिए आपको एक बात बताऊं, इंट्यूशन कहो गट फीलिंग कहो दिल की आवाज़ कहो, सब कुछ कहीं ना कहीं दे आर वन एंड द सेम। और अगर आपको जानना है कि आपका इंट्यूशन कैसे आपको कुछ कहता है, वो कैसे आपको पता चले, तो उसके ऊपर एक वीडियो मैंने बनाया है जो फ्री है, जो आप देख सकते हैं। अगर ज़्यादा गहराई पूर्वक आपको सीखना है इंट्यूशन को पावरफुल कैसे करना है, उसके लिए एक कोर्स मैंने बनाया हुआ है जो फ्री नहीं है, कि जो आप ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, उसका लिंक मैं नीचे छोड़ दूंगी आपके लिए। तो जी हाँ, वो एक चीज़ है कि जो आप कर सकते हैं। ये कार्ड बताता है कि आपका आपका जो हाँ मतलब आपको पॉजिटिव विचार यूज़ करने हैं इस समय, बिकॉज जैसे मैंने कहा काफ़ी ज़्यादा विचलित आप हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप हड़बड़ी में हो सकते हैं इस महीने, इसीलिए विचार सबसे शुद्ध रखने हैं, खास करके आपके पैसों के लिए, घर के लिए, करियर के लिए बहुत पॉजिटिव विचार रखने हैं। बिकॉज जो भी आप सोचेंगे और जो भी आप बोलेंगे वो आपका भविष्य निर्धारित करेगा, इसीलिए सोच समझ कर सिर्फ पॉजिटिव शब्दों में आपको बात करनी है। ओके तो जी हाँ, तो ये है आपके लिए रीडिंग दिसंबर महीने के लिए, और उसी के साथ हमने ये साल भर का आपका रीडिंग हमने देख लिया, और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपकी मदद कर पाए। मुझे पता है काफ़ी लंबा ये वीडियो था, इसीलिए एक बार में सारा का सारा आप इसे पचा नहीं सकते हैं, इसीलिए मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए और या सारे नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए, ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और कुछ बातें हो सकती हैं कि जो आपको मुझसे पूछनी है, ओके कि जिसको यूजुअली कमेंट्स देखकर मुझे कमेंट्स के हिसाब से आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, अगर आपको ऐसे रीडिंग्स कैसे करना है वो सीखना है, तो टैरो मास्टरी कोर्स और एंजल कार्ड डिवाइनेशन कोर्स दोनों एक तरह से डिस्काउंट के ऊपर मैंने रखा हुआ है, कि जिसके ऊपर आप रजिस्टर कर पाएंगे। अब आपके सवाल हो सकते हैं, अच्छा तो वो कोर्स कितने समय का है, फीस कितनी है, कौन सी लैंग्वेज में है, वो सारे सवाल के जवाब मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर आपको मिल जाएंगे, उसकी लिंक मैं नीचे इस वीडियो के नीचे छोड़ दूंगी आपके लिए। ओके यदि आपको मुझसे पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग करवाना है, टैरो और एंजल कार्ड रीडिंग करवाना है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे वो लिंक दी गई है कैसे अपॉइंटमेंट बुक करना है, या तो फ़ोन के द्वारा या तो स्काइप के द्वारा रीडिंग्स होते हैं। आप जब अपॉइंटमेंट बुक कर देंगे उसी के बाद आपको फ़ोन नंबर या फिर जो स्काइप का आईडी है वो मिलेगा, कि जिससे अपॉइंटमेंट होगा। ओके और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, काफ़ी लोगों के सवाल रहते हैं कि मैडम आपको कांटेक्ट कैसे करें, मैंने अपना फ़ोन नंबर किसी के साथ नहीं बांटा है, और इसीलिए काफ़ी लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि कहाँ पर कांटेक्ट करें, तो ईमेल करना सबसे श्रेष्ठ है। मुझे काफ़ी ज़्यादा ईमेल्स आते हैं और इसीलिए सभी ईमेल्स के मैं जवाब दूंगी ये मैं नहीं कह सकती, बिकॉज़ मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है सारे ईमेल्स के जवाब देना, सारे मैसेजेस के जवाब देना। मुझे हर जगह पर मैसेजेस मिलते हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और इसीलिए ईमेल करना सबसे श्रेष्ठ है। ओके तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो, आशा रखती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बांटिए, ताकि सबको ये अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल पाए और ये सारी पॉजिटिव टेक्निक्स मिल पाए, जिससे वो अपनी लाइफ को सुधार सके। ओके तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।
मेरे चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।